हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। बहुत 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 स्वागत है प्यारे बच्चों आपका दक्षिणा ई क्लासरूम चैनल पर। मैं प्रदीप सिंह फिर से आपके साथ हूं वेव्स लेक्चर नंबर 9 के साथ। तो आइए बच्चों, सबसे पहले एक बार देख लेते हैं हमने कल क्या क्या पढ़ा था। बेटा एक बात तो मैंने आपको कल दो एक्टिविटीज दिखाई थी, जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि अगर फ्री एंड होता है तो वेव सीधा उसी मुंह की तरह वापस आ जाती है, जैसा मुंह लेके जाती है वैसे ही वापस आ जाती है। और बेटा अगर रिजिड एंड होता है तो क्या होता है, फिर वो मुंह लटका के वापस आती है, फिर क्या होती है, मुंह लटका के। और अगर आगे कुछ नहीं होता है ना, जब किसी से आगे लड़ाई नहीं होती तो आराम से बिल्कुल ऐसे मुंह उठा के वापस आती है, और जब आगे बंधा होता है तो फिर क्या होता है, वो उठता नहीं है और फिर वो मुंह लटका के वापस आती है। बेटा ये मैंने आपको बता दिया था कि वेव पलटी मारती है जब रिजिड एंड होता है, और जब फ्री एंड होता है तो वेव पलटी नहीं मारती है। सोचने के लॉजिक क्या क्या थे प्रैक्टिकली तो देखा था। बेटा जब रिजिड एंड है तो होगा क्या, बेटा ये जो वेव जा रही है ये तो पक्की बात है आगे एनर्जी जा नहीं सकती है, क्योंकि एफ डॉट वी होती है बेटा पावर। तो बेटा आगे पावर ट्रांसमिट नहीं हो सकती क्योंकि ये रिजिड एंड है, यहां पे रस्सी बंधी हुई है प्यारे बच्चों। अब यहां जब आगे एनर्जी नहीं जा सकती है तो फिर क्या होगा, फिर डेफिनेटली एनर्जी वापस आएगी। तो पहली बात, एनर्जी कंजर्वेशन फॉलो होना चाहिए, लॉजिक नंबर वन। और दूसरा लॉजिक क्या था प्यारे बच्चों, जैसे मान लो यहां तक वेव चली गई, ठीक है, अब जो ये इंसिडेंट वाला जो है वो ऊपर उठाना चाह रहा है, तो बेटा रिफ्लेक्टेड वाला पक्का है कि पलटी मार के आएगा तभी वो नीचे उठाना चाहेगा। तो आप क्या इमेजिन कर सकते हैं, जैसे जैसे इधर से जा रही है, इधर से घोस्ट पल्स है जो इधर से इधर को आ रही है ना, तो उससे आपको थोड़ा सा सोचना आसान हो जाएगा कि फाइनली सुपर पोजिशन देख के आप जल्दी से बता पाएंगे। तो आप इमेजिन कर लीजिए घोस्ट पल्स जो इधर से आ रही है, एक्चुअली यही रिफ्लेक्ट होके आ रही है, जो इतना पार्ट गया यही रिफ्लेक्ट होके है, लेकिन आप पीछे घोस्ट पल्स बना लीजिए, थोड़ा सा सोचना आसान रहता है, क्वेश्चंस करने में थोड़ी सी आसानी होती है, है ना। और कोई खास बात नहीं भैया, घोस्ट पल्स जस्ट क्वेश्चन करने के लिए टेक्निक हो गई है ना। आप इमेजिन कर लीजिए पीछे से एक पल्स आ रही है उल्टे डायरेक्शन, अगर रिजिड एंड है, क्योंकि मेरे को बेटा चाहिए क्या था, जीरो चाहिए था यहाँ पे, मेरे को यहाँ पे y की वैल्यू जीरो चाहिए थी, y शुड बी जीरो एट x इक्वल्स टू जीरो। अब वो कब बनेगा, जब yi प्लस yr है ना बेटा, यहाँ पे बेसिकली दो चीजें हैं, इंसिडेंट वेव है रिफ्लेक्टेड वेव है, सम क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों, जीरो। सम क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए सम, तो है ना। और वो कब होगा, जब yr नेगेटिव ऑफ yi होगा, इसका मतलब जब पलटी मार के आएगी, क्लियर। और अगर पलटी मार के उतनी ही आ रही, मतलब नेगेटिव में आ रही, मतलब yr जो है वो माइनस ऑफ वाई आई है उस जगह पे, और अगर नेगेटिव है इसका मतलब जो पल्स आ रही वो पलटी मार के आ रही, और अगर उतनी ही है तो इसका मतलब एनर्जी उतनी, क्योंकि बेटा अगर उतनी ही पल्स नीचे को आ रही, उतनी ही बड़ी पल्स नीचे को बन के आ जाती है फाइनली ऐसे, तो इसका मतलब ये हो गया, जब उतनी ही बड़ी तो खिंचाव उतना ही है, जब उतनी ही बड़ी है तो स्लोप उतनी है, स्लोप उतनी है तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल भी उतनी है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स उतनी है तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी सब वही की वही। आई होप प्यारे बच्चों मैं आपको समझा पाऊं, बड़ी सिंपल बात है। दूसरा मैंने आपको बताया था फ्री एंड, फ्री एंड पे क्या होता है बेटा, मैंने देखा था वेव जो होती है वो सेम डायरेक्शन में ही वापस आती है, वेव जो होती है वो सेम डायरेक्शन में ही वापस आती है ना। एक बार ऐसा करते हैं एनिमेशन फिर से देख लेते हैं, ये रहे एनिमेशन आपके सामने प्यारे बच्चों, है ना। आप ध्यान से देखिए, वेव जो है बेटा रिजिड एंड पे क्या होती है, पलट के आती है, और फ्री एंड पे क्या होती है बेटा, सेम डायरेक्शन में आती है। आइए बेटा पढ़ते हैं आगे। अब इसमें क्या होगा प्यारे बच्चों, इसमें हमने ये देखा था कि ये पर्टिकुलर जो है बेटा, देखो यहां पर जैसे रस्सी को ऊपर उठाना चाहता है, पर आगे का इनर्शिया रस्सी को नहीं उठने देना चाहता है, इसका मतलब क्या है, रस्सी उतनी नहीं उठेगी, पर बेटा इसके आगे कोई इनर्शिया नहीं है, तो इसका मतलब क्या, इधर तो मासलेस है, बीड भी मासलेस है, और आगे तो कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब आगे तो एनर्जी ट्रांसफर होनी ही नहीं है, आगे एनर्जी ट्रांसफर होनी ही नहीं है, है ना। एक बात तो वापस तो आनी है, तो सेम साइज की पल्स आनी है, तो या तो सेम डायरेक्शन में या उल्टे डायरेक्शन में। अब बेटा बस मैं आपको इतना कहना चाह रहा हूं, ये ज्यादा उठना चाहिए क्योंकि आगे मास नहीं है, और जब ये ज्यादा उठेगा और जब फाइनली नीचे आएगा तो सेम डायरेक्शन में पल्स बन जानी चाहिए, ऐसी फील आ रही है मेरे को, है ना। अब बेटा मैं ये कह सकता हूं ज्यादा कैसे उठेगा, ज्यादा इसलिए उठेगा, ज्यादा कब उठ सकता है, जब वाई आई प्लस वाई आर बेटा आना है, अब मेरे को वाई आई से ज्यादा चाहिए, तो इसका मतलब रिफ्लेक्टेड वाली जो आनी चाहिए, अब जो बेटा रिजल्टेंट आना है, जो वाई नेट आना है एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, वो वाई आई प्लस वाई आर दो डिस्टर्बेंस है बेटा वहां पे। अब बेटा अगर मेरे को मालूम है कि वहां पे y की वैल्यू ज्यादा आ रही है, तो y की वैल्यू ज्यादा कब आ सकती है प्यारे बच्चों, बताएंगे जरा फटाफट से, y की वैल्यू तो प्यारे बच्चों तभी ज्यादा आएगी जब yr सेम डायरेक्शन में आएगा, तो यहां पर वेव सीधा मुंह उठा के आएगी, क्योंकि आगे कोई है ही नहीं भैया रोकने के लिए, और यहां पर क्या होता बेटा, मुंह लटका के वापस आती है।
तो बेटा ये था जो मैंने कल आपको बताया था बेटा, ये जिस्ट थी। पर मैंने आपको अच्छा सुपर पोजिशन भी कल मैंने आपको बेटा एक पार्ट आगे कराया था कि जब सुपर पोजिशन होता है दो वेव्स का, तो उस टाइम पे हम ये कहें कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी हर एक एलिमेंट की बराबर है, तो ये बात सही नहीं है, है ना। इट मे बी इक्वल, है ना, जिसके बारे में मैं कहता था कि मैं आपको बाद में बताऊंगा स्टैंडिंग वेव्स के लेक्चर में, दैट इज वेव्स लेक्चर 10 में। लेकिन आज के लिए बस मैं आपको ये कह रहा हूं कि मैंने आपको जो सिखाया था वो ये था बेटा, अगर एक ट्रैवलिंग वेव, एक सिंगल वेव चल रही है अगर स्ट्रिंग पे, तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी हर एक एलिमेंट की बराबर होगी। लेकिन अगर सुपरपोजिशन हो रहा है बेटा वेव्स का, तो बेटा काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी हर एक एलिमेंट की बराबर होनी जरूरी नहीं है। तो ये था बेटा जो हमने आपको कल पढ़ाया था। और इक्वेशन बेटा मैंने एंड में बताया था, लेकिन वो मैं जानता हूं कि बेटा वो एक बार में समझ में नहीं आ पाता है कई बार, तो एक बार ऐसा करते हैं उसको दोबारा से सीखते हैं। उससे पहले थोड़ी सी मैथ्स बताना चाहता हूं ताकि उसको समझाना मेरे लिए आसान हो जाए। बेटा ऐसा करेंगे, जब तक हम रब करें तब तक आप वाई इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री लाइन जो है उसका ग्राफ प्लॉट करें। मैं बहुत सिंपल सा मैथ्स का वो पार्ट ले रहा हूं ताकि मैं आपको समझा पाऊं प्यारे बच्चों, है ना। थोड़ी सी बेसिकली मैथ्स बताना चाह रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा सिंपल एग्जांपल से, मैथ्स की तरह मैथ्स नहीं बताऊंगा मैं, उतनी मैथ्स बताऊंगा जिससे मेरा काम आसान हो जाए, ठीक है। तो बेटा आप ऐसा करेंगे, y इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री फटाफट से प्लॉट करेंगे। ये x एक्सिस है और ये प्यारे बच्चों y एक्सिस है। थोड़ा ज्यादा ही ऊपर बना दी एक्सिस, हाथ नहीं पहुंच रहा है आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये बन गई y इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया बेटा। जीरो पे वैल्यू थ्री है ना, और माइनस थ्री बाय टू पे जीरो है। ये आप देख सकते हैं बेटा, वाई को जीरो पुट करें है ना, एक्स आ जाएगा माइनस थ्री बाय टू। करके दिखाऊं, वाई इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री, बहुत शानदार, वाई को जीरो पुट करें, एक्स आएगा प्यारे बच्चों माइनस थ्री बाय टू। ठीक है, ठीक है। अब अगर एक्स के बदले में इक्वेशन में माइनस एक्स पुट कर दूं तो क्या होगा, तो इक्वेशन बन जाएगी वाई इक्वल टू माइनस टू एक्स प्लस थ्री। पर एक्स इक्वल टू जीरो पे तो अभी भी थ्री आएगा, यहां से तो पास करेगी करेगी, अब जो बनेगी डॉटेड लाइन बनाएंगे, है ना। तो बेटा अब बेटा मैं आपको ये कह रहा हूं, वाई जीरो कब होगा, अब वाई जीरो का एक्स इक्वल टू थ्री बाई टू पे। अच्छा, अब यहां पे जीरो होगा, जितना इधर जीरो था उतना इधर, अब ये ग्राफ बन गया, ओ डॉटेड बना था, ओ हो गया डॉटेड, कट 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 कट। ऐसा लग रहा है भाई y एक्सिस के वोट मिरर इमेज बन गई, ग्राफ पलटी मार गया। तो x के बदले अगर हम माइनस x पुट करते तो बेटा ग्राफ जो होता है y एक्सिस के वोट पलट जाता है। जब x के बदले माइनस x पुट करते तो ग्राफ y एक्सिस के वोट पलट जाता है, ये बात याद रखें, दिमाग में डाल लें खट्ट से। जब x के बदले माइनस x रखेंगे तो ग्राफ y एक्सिस के वोट पलट जाता है। आई होप मैं आपको ये बात समझा पाया, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, अगर जानना चाहते हैं आप, मैथ स्टूडेंट्स हैं, आपका अधिकार है जानना। भैया अगर मान लो y इक्वल टू fx कुछ भी था, है ना, मान लो ये ग्राफ था, ठीक है। अब मैंने x के बदले माइनस एक्स पुट कर दी, अब ये जो नया फंक्शन बना f ऑफ माइनस एक्स, बेटा जब पहले वन डालता था तो एफ वन आउटपुट आता था, अब मैं माइनस वन डालूंगा तो बनाएगा, मतलब जो पहले वन पे वैल्यू आती थी अब वो माइनस वन पे आएगी। प्यारे बच्चों मैं ये कह सकता हूं ग्राफ पलटी मारेगा ही मारेगा, मारेगा कहे नहीं, क्योंकि बेटा जो पहले वन पे आउटपुट आता था अब वो माइनस वन डालूंगा तो एफ वन आएगा, टू पे एफ टू आता था माइनस टू पे एफ टू आएगा, माइनस वन पे एफ माइनस वन आता अब वन पे एफ माइनस वन, जो चीज माइनस वन पे होती थी वो वन पे होने लग जाएगी, ग्राफ वाई एक्सिस के अबाउट पलट जाता है। आई होप मैं आपको ये बात समझा पाया, ठीक है। चलिए, वैसे आप ये मैथ्स टीचर जो भी आपके होंगे वो बहुत अच्छे से आपको ये समझाएंगे चीज, है ना। आइए बढ़ते हैं आगे। चलिए अब बेटा आगे एक बात और बताना चाहता हूं मैथ्स के बारे में, अगर आप पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे y इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री यार, तो y इक्वल टू माइनस ऑफ टू एक्स प्लस थ्री, मतलब पूरे फंक्शन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा बेटा, जहां पे x इक्वल टू जीरो पे थ्री आता था वहां पे माइनस थ्री आएगा, जीरो पे पहले थ्री आता था माइनस थ्री आएगा, है ना। और लेकिन y जीरो कहां पे होगा, y तो अभी भी जीरो वहीं आ रहा है माइनस थ्री बाई टू, ठीक है। बस बेटा जहां पे वैल्यू वन थी, आप सोच के देखो ना, जहां वैल्यू वन थी हाफ पे वैल्यू वन थी, है ना, हाफ पे सॉरी हाफ पे क्या वैल्यू आएगी, एक्स इक्वल टू हाफ पे, अच्छा हाफ पे क्या वैल्यू थी, वन प्लस थ्री फोर, अब माइनस हाफ पे आ जाएगी बेटा, सॉरी अब पहले हाफ पे आई थी फोर, हाफ इंटू टू वन, वन प्लस थ्री फोर, अब हाफ पे क्या आएगी माइनस फोर, मतलब जो ऊपर हो रहा था वो नीचे हो जाएगा, मतलब अब वाई एक्सिस के बोर्ड पलट जाएगा। ओ एम सॉरी, थोड़ा सा तिरछा ऐसा बनाना चाहिए था, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मान लेंगे सही है ना।
तो बेटा अब ऐसे पलट जाएगा। आप कोई भी बना के देख लीजिए, कैसा भी बना लीजिए, है ना, आप y इक्वल टू 2x बना लीजिए, माइनस से मल्टीप्लाई करिए y इक्वल टू माइनस 2x, मतलब अब x एक्सिस के ओर पलट जाएगा। तो बेटा x के बदले माइनस x करने से क्या होता है, ग्राफ y एक्सिस के अबाउट पलट जाता है, और फंक्शन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, जो चीज ऊपर थी वो नीचे हो जाएगी। जैसे ये साइन x है, माइनस साइन x क्या होगा, ये, ठीक है। आई होप बच्चों मैं आपको ये बात समझा पाया हूं। चलिए अब बेटा जो मैंने आपको ज्ञान दिया था कल, आइए उसी पे चलते हैं। सबसे पहले रिजिड एंड है और मेरे को इक्वेशन लिखनी है रिफ्लेक्टेड वेव की। रिजिड एंड में रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन लिखनी है बेटा, फटाफट से बेटा हेडिंग डालिए, इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव फ्रॉम अ रिजिड एंड। ठीक है, ये बहुत शानदार तरीके से देखिए, प्रदीप सबमिट हो रहे हैं और आप आराम से देख रहे हैं बेटा, पढ़ाई करी तो नोट्स रिवाइज करिए, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। आइए आइए देखिए प्यारे बच्चों, अब इधर से बेटा पल्स आ रही है, ये मान लो है x इक्वल टू जीरो, ये क्या है, x इक्वल टू जीरो, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब वेव नेगेटिव डायरेक्शन में आ रही है और इंसिडेंट वेव की इक्वेशन है a साइन kx प्लस ओमेगा t, पर मैं पूरी वेव ट्रेन ना बना के खाली एक पल्स बनाना चाहता हूं ताकि उसे समझाना आसान हो जाता है। बेटा एक्चुअली मान लो कि एक पल्स आ रही है, इसने क्या करना है, मुंह उठा के नीचे आना। बेटा क्या वेव को मालूम है आगे जाके मतलब माइनस एक्स पे रस्सी नहीं है, वेव को कुछ नहीं मालूम बेटा, इक्वेशन को कुछ नहीं मालूम आगे रस्सी है या नहीं, तो रिफ्लेक्टेड वेव बेटा क्या होने वाली है, बेटा ये तो माइनस एक्स पे आंसर देगा, पर वो माइनस एक्स पे नहीं होगा, वही चीज प्लस एक्स पे होगी, बल्कि पलटी मार के। तो बेटा मेरे को क्या चाहिए, जो माइनस एक्स पे हो रहा है उसको प्लस एक्स पे ले आओ और उसको भी नीचे कर दो। तो पहले जो माइनस एक्स पे हो रहा है उसको प्लस एक्स पे लेके आना, दैट इज ग्राफ को वाई एक्सिस के अबाउट पलटना है। तो साइन माइनस के एक्स प्लस ओमेगा टी, ये बेटा ये मैथ से करो, उसको भी, अब मैं अभी माइनस एक्स वाले को पटक के प्लस एक्स पे ले आया और उसको भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गई रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन। अगर समझ सकते हैं तो बेटा ये बिल्कुल अल्टीमेट है ना, ये क्योंकि ये वाली मैथ्स ना आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होती है और ये समझना बहुत आसान होता है। मैं इसी चीज पे अलग तरीके से भी पहुंच सकता हूं, आई होप मैं आपको समझा पाया। मैं फिर बता देता हूं बेटा, मेरी बात सुने बहुत ध्यान से, मैं बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनिए मेरी बात। मैं आपको ये कह रहा हूं बच्चों कि ये जो पल्स है, ये पल्स जा रही बहुत ध्यान से ब्रर, और ये पलटी मार के आनी, पर इस पल्स को, इस इक्वेशन को नहीं पता है आगे पलटी मारनी है नहीं मारनी है, आगे बाउंड्री है या नहीं है, इस इक्वेशन को भी कुछ नहीं पता है, भोली भाली इक्वेशन बिचारी, दुनिया से अनजान। लेकिन आगे इसके साथ भैया प्रॉब्लम होने वाली है, पॉलिटिक्स। अब जब ये आगे गई तो पता हुआ था, है ना, तो ये तो पक्का है कि भैया ये पल्स पलटी मार के आएगी, पर इस इक्वेशन को नहीं पता, ये माइनस एक्स पे आंसर दे रही है, इसको लग रहा है ये माइनस एक्स पे जाने वाली है, भैया माइनस एक्स पुट करो आंसर आ रहा है, पर वो माइनस एक्स पे थोड़ी ना चीज हो रही होगी, जो भी ये दिखा रहा है वो रिफ्लेक्ट होकर प्लस एक्स पे हो रहा होगा, बल्कि वो भी उल्टे में, अगर उधर नेगेटिव में हो रहा है तो इधर आके वही चीज पॉजिटिव में हो रही, पलटी मार के आएगी बेटा पल्स। पल्स कैसे आएगी, पलटी मार के, कैसे आएगी, पलटी मार के। तो बेटा जो माइनस एक्स पे हो रहा था उसको प्लस एक्स पे लेके आना है, तो एक्स के बदले माइनस एक्स किया, तो जो माइनस एक्स पे था वो प्लस एक्स पे आ गया, अब उसकी भी पलटी मार गई तो एक और नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया बेटा, बिल्कुल सिंपल बातें हैं, बहुत ही आसान सी बातें हैं, शायद समझ में आ गई होंगी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे अब इसी को फिजिक्स, प्रॉपरली फिजिक्स से कैसे समझाऊं बेटा, वाई आई जीरो कॉमा टी क्या होगा, ए साइन ओमेगा टी, वाई आई एक्स टी है तो वाई आई जीरो टी क्या होगा, ए साइन ओमेगा टी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, आनंद। अब रिफ्लेक्टेड में जीरो पे टी पे क्या होगा बताइए जरा, रिफ्लेक्टेड पे जीरो पे टी पे क्या होगा बताइए, रिफ्लेक्टेड पे जीरो पे टी पे क्या होगा, माइनस ए साइन ओमेगा टी, क्योंकि टोटल बनना चाहिए जीरो, वाई आई प्लस वाई आर जीरो होना चाहिए, तो इसी का अपोजिट होना चाहिए बेटा, रिफ्लेक्टेड वाली जीरो पे जो डिस्टर्बेंस देगी वो इंसिडेंट वाली की अपोजिट होगी, तभी टोटल मिलकर जीरो बन सकता है। अब इसको कुछ लोग ऐसे कह देते हैं ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई, कोई दिक्कत की बात नहीं, हम भी ऐसे कह देंगे, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, क्योंकि आगे हमको पॉजिटिव लिखना पसंद है, बहुत बढ़िया। अब रिफ्लेक्टेड पे एक्स पे टी क्या होगा बेटा, एक्स पे टी पे तो वही होगा, एक्स पे टी पे तो वही होगा जो जीरो पे टी माइनस एक्स पाई बी पे होगा, बेटा जो चीज यहां पे अभी हो रही है वही चीज तो यहां पे पहुंचेगी, वही डिस्टर्बेंस तो यहां पे पहुंचेगा, जो यहां टी पे हो रहा है बेटा वो यहां पहले हुआ, वेव इधर से इधर आ रही रिफ्लेक्ट होके, तो मैं ये कह सकता हूं वाई आर एक्स टी, एक्स पे टी पे वही होगा जो जीरो पे कुछ देर पहले होगा टी माइनस समथिंग टाइम पे, और वो समथिंग टाइम होगा एक्स बाय वी,
मेरी बात सुनिए बहुत ध्यान से बेटा, बहुत ही सिंपल बात बताना चाहता हूं। YRXT क्या होगा बेटा, X पे T पे क्या होगा, जो 0 पे T माइनस X बाई V पे होगा। इक्वेशन बेटा कल भी रिवाइज करवाई थी मैंने आपको, है ना, आज रिवाइज कराने का मूड नहीं बन रहा है कि इक्वेशन कैसे डेवलप करते हैं। बेटा सोचिए मेरी बात, समझिए बेटा, वेव मेरे से आपकी तरफ जा रही है, पहले पहली सैलरी मेरे को मिलेगी, बाद में पहली सैलरी आपको मिलेगी, आपको फील करना पहली सैलरी मिलेगी तो कैसा महसूस होता है, तो मेरी लाइफ को रिवाइंड कर दो और देख लो क्या हो रहा है ना। तो बेटा जो आपकी लाइफ पे होने वाला है वो मेरे साथ हो चुका है, टी माइनस टी नॉट पे, एक्स पे टी पे जो होने वाला है वो जीरो पे पहले हो चुका, कितनी देर पहले, एक्स बाय वी, यहां से यहां बेटा डिस्टरबेंस को आने में टाइम लगेगा, एक्स बाय वी टाइम पहले। मैं आपको ये कहना चाहता हूं बेटा, एक्स पे टी पे वही होगा जो जीरो पे टी माइनस एक्स बाय वी पे हो चुका है। अब वाई वाई जीरो टी मेरे को पता ही रहा, कहां ये रहा वाई जीरो टी, ये रहा, तो वाई जीरो टी माइनस एक्स बाय वी क्या हो जाएगा भाई, y0 t अगर ये, तो y0 t माइनस x बाई वी, t के बदले t माइनस x बाई वी, t के बदले t माइनस x बाई वी पुट करेंगे, a sin omega t माइनस x बाई वी प्लस पाई, वेरी गुड, आया आया सर, बहुत शानदार सर, आ गया भैया आ गया। अब बेटा ये आ गया वाई आर एक्स टी, बहुत बढ़िया। अब इसी को बेटा v इक्वल टू एफ लैम्डा लिखो, इसको 2 पाई एफ लिखो, अंदर जाएगा एफ एफ के काटे ठाए ठाए कतले आम हो जाएगा भाई यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा, ए साइन ओमेगा टी, बहुत शानदार, माइनस के एक्स, कैसे माइनस के एक्स, क्यों, क्योंकि 2 पाई एफ v एफ लैम्डा, एफ कट गया, 2 पाई बाय लैम्डा को के कहते हैं, अरे 2 पाई बाय लैम्डा के होता है, 2 पाई बाय लैम्डा के होता है। चलिए आइए देखिए, अब कैमरे से मस्करी करनी पड़ती है, बोर हो जाते हैं भैया, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, अरे कैमरा भाई। तो बेटा मेरी बात सुनो ध्यान से बेटा, ये आ गया वाई आर एक्स टी, अरे ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको प्लस पाई को माइनस लिख दूं, ध्यान से देखिए, अरे अरे ये तो वही लग रहा है जैसे एक्स के बदले माइनस एक्स पुट कर दिया और आगे नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया। आई होप प्यारे बच्चों मैं आपको समझा पाया बेटा, कोई खास दिक्कत की बातें नहीं है, बहुत ही आसान है, लेकिन कॉन्सेप्ट बेटा जो यूज हो रहा है वो वेव इक्वेशन का यूज हो रहा है ना। आई होप वेव इक्वेशन तो बेटा समझ में आ चुका है ना, पिछले लेक्चर में भी बेटा बताया था, नहीं तो आप रिवाइज कर लीजिए, नहीं तो सेकंड लेक्चर का जस्ट स्टार्टिंग देख लीजिए, 5-6 मिनट, आपको अच्छे से वेव इक्वेशन आ जाएगी, रिवाइज हो जाएगी। और अगर अगर आपने बेटा पहले के लेक्चर्स नहीं दे रखे हैं तो बेटा मैं कहूंगा आप गलती कर रहे हैं, आप पहले के लेक्चर्स देखेंगे तो ही ये समझ पाएंगे बेटा, ये अब टेढ़ी चीजें चल रही हैं, ये बहुत आसान चीजें नहीं चल रही हैं, है ना, हम चल रहे हैं 9वें लेक्चर पे, अगर आपको पहला नहीं आता तो गड़बड़ है ना, क्योंकि बेटा लिंक है ना, पूरा का पूरा लिंक है चीजें। चलिए आइए देखिए, अब फ्री बाउंड्री की बात करते हैं, फ्री की चीजें वैसी बड़ी पसंद है, है नहीं, सर्फ एक्सेल के साथ बाल्टी फ्री है ना भाई, मैडम ने 500 खरीद ली, बाल्टी की दुकान लगा दी, फ्री वाली चीजें पैसे में बेची जा रही, बताओ जरा यार क्या जमाना आ गया भैया। तो आओ प्यारे बच्चों आप देखते हैं, ये है फ्री एंड, यहां पे बना देंगे मोती, मोती वेरी गुड, मासलेस मोती, बीड बीड आराम से मुंह पर, फ्रिक्शन लेस रॉड। अब भैया सेम डायरेक्शन में वापस आनी पल्स, फिर से बिचारी वही इक्वेशन, रो रही है ताप रही है, भैया हम जा रहे हैं, हमने कहा जा नहीं रहे भैया, वापस आ रहे हो, कहती कैसे, मैंने कहा आगे जाओगे भैया, आगे कुछ है ही नहीं, वापस आना पड़ेगा, कहती अच्छा, मैंने कहा हाँ। तो अब देखो बेटा, अब ये अब आगे जा रही है और फिर वापस आने वाली है, अब बेटा सेम डायरेक्शन में वापस आने वाली है ना, ऐसे जा रही है ऐसी आई, लेकिन इस बिचारी को थोड़ी ना पता, मैं पल्स एक बना के दिखा रहा हूं ताकि समझना आसान हो जाए, इसके अकॉर्डिंग तो थोड़ी देर बाद पल्स यहां पे पहुंच जाएगी, पर क्या यहां पे पहुंचेगी माइनस एक्स में या वही चीज प्लस एक्स में आ जाएगी, वही चीज प्लस एक्स में आ जाएगी, और इस बार तो पलटी भी नहीं मारेगी, इस बार तो खाली एक्स के बदले माइनस एक्स पुट करना है भाई, तो वाई आर एक्स टी क्या हो जाएगा, एक्स के बदले माइनस एक्स पुट करो, जो ये दिखा रहा है माइनस एक्स पे वो माइनस एक्स पे नहीं, वही चीज प्लस एक्स पे हो रही है, और इस बार तो पलटी भी नहीं मारी जा रही, इस बार तो पलटी भी नहीं मारी जा रही भाई, पलटी वल्टी कुछ नहीं भाई यहां पे, ए साइन माइनस के एक्स प्लस ओमेगा टी, बोलो आया बच्चों, आया सर, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। अब बेटा मैं बस आपको कह रहा हूं, पहले तो ये लिख डालो, छाप डालो, अभी बताया था एक्स के बदले माइनस एक्स करने में क्या होता है, हाँ आपको कह रहा हूं आपको, अरे भाई ये क्या अंगड़ाई ले रहे भाई, अरे खड़े हो जाओ आराम से बैठो भैया, नोट करते जाएंगे, समझते जाएंगे बात को, बहुत शानदार तरीके से, बहुत बढ़िया भैया, जो माइनस एक्स पे हो रहा है वही चीज प्लस एक्स पे होने लग जाएगी ना भाई, अभी तो समझाया क्यों बेटा, ये जा रही है ना, ये अभी तो बताया ये सेम डायरेक्शन में वापस आती है ना, इस बिचारी इक्वेशन को पता नहीं, नादान है, इसको पता ही नहीं आगे रस्सी खत्म हो रही है, ये कह रही है सोच रही है मैं आगे जाने वाली हूं, माइनस एक्स पे जवाब दे रही है कि माइनस एक्स पे भी वैल्यू आ रही है,
पर जो माइनस एक्स पे हो रहा है वो माइनस एक्स पे थोड़ी ना, वो एक्चुअली रिफ्लेक्ट होके प्लस एक्स पे हो रहा होगा। बोलो आया, इसका मतलब रिफ्लेक्टेड वेव क्या होगी, जो ये माइनस एक्स पे इंसिडेंट वाला दिखा रहा है वो माइनस पे नहीं हो रहा होगा, रिफ्लेक्टेड में प्लस एक्स पे हो रहा होगा। तो अब मेरे को क्या करना है, माइनस एक्स वाले पलट के प्लस एक्स पे लेके आ रहे, तो एक्स के बदले माइनस एक्स पुट कर दिया, आ गया। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका, आओ भैया फिजिक्स वाला मेथड देखते हैं। जैसे भी पहले वाले में दिखाया वैसे इसमें भी बेटा दूसरा तरीका बताते हैं, फिजिक्स वाला मेथड। थोड़ा सा खुद से भी सोचो, दिमाग लगाओ कैसे होगा, क्योंकि मैं पिछला वाला आपको बता चुका। कोशिश करो, स्क्रीन पॉज करो, ध्यान से इसको देखो और दिमाग लगाने की कोशिश करो कि अब कैसे होगा, अब कैसे होना चाहिए। सोचो, दिमाग लगा के बहुत ध्यान से सोचो। नहीं है फिर मैं बताता हूं, लेकिन काफी लोगों को आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, शाबाश बच्चों। आइए देखिए, तो बेटा वाई आई जीरो टी क्या होगा, वाई आई जीरो टी, बहुत बढ़िया, वो होगा ए साइन ओमेगा टी। ओ, ये माइनस का सर है, कम बखत, ये बेचारा अभी सुबह से बिजी हो जाता है ना यार। हाँ, ए साइन ओमेगा टी, अरे अरे साथ साथ में हंसते रहेंगे। अच्छा, रिफ्लेक्टेड में क्या होगा, सेम डायरेक्शन में वापस आती है, जीरो पे टी पे वही चीज होती है भैया, वही वापस आता है, सेम ये जाता है और वापस यही आ चुका होता है, यही चीज पलट के वापस आ चुकी है। आपको घोस्ट पल्स बिल्कुल सेम मिरर इमेज बनानी होती है भैया। तो ए साइन ओमेगा टी सेम, अब एक्स पे टी पे क्या होगा, अरे भैया एक्स पे टी पे तो वही होगा, एक्स पे टी पे तो वही होगा जो जीरो पे, अरे आर कौन लिखेगा भाई, जो जीरो पे टी माइनस एक्स बाय वी पे होगा, जो जीरो पे टी माइनस एक्स बाय वी पे होगा। बोलो बच्चों, आया आया सर, बहुत बढ़िया। तो बेटा अगर जीरो पे टी पे जो रहा है तो एक्स पे टी पे क्या होगा, जो जीरो पे कुछ देर पहले हुआ है, बेटा एक्स पे टी पे वही चीज होगी जो यहां पे पहले हुई है, वे वो इधर से इधर आ रही रिफ्लेक्टेड वाली। तो बेटा अगर वाई जीरो टी है तो वाई जीरो टी माइनस एक्स बाय वी क्या, ए साइन ओमेगा टी के बदले पुट करेंगे टी माइनस एक्स बाय वी। अब बेटा अगर आपको लिखना तो ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स लिख दो। अरे ऐसा लग रहा है भाई कि खाली एक्स के बदले माइनस एक्स पुट के वही सेम टू सेम। हाँ भैया, सेम तो सेम आएगा ही भैया, क्योंकि भैया हमने किया ही बेसिकली वही चीजें कर रहे हैं। लेकिन ये बताई क्यों मैंने आपको, है ना, ये बताने के पीछे फायदा क्या हुआ, मेरे को बताने में फायदा क्या है। अच्छा, तीसरा मेथड मैं कहूं तो एक और भी एग्जिस्ट करता है, पहले फ्री एंड के लिए बताया था। बेटा डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं वाई आर एक्स टी, एक्स पे रिफ्लेक्टेड में टी पे क्या हो रहा होगा, जो इंसिडेंट में माइनस एक्स पे टी पे हो रहा होगा। ऐसा कह सकता हूं बेटा, जो माइनस एक्स पे दिखा रहा है वो माइनस एक्स पे थोड़ी ना, वो एक्चुअली प्लस एक्स पे हो रहा होगा रिफ्लेक्टेड में। कह दो आ गया, तो रिफ्लेक्टेड में एक्स पे टी पे क्या होगा, बेटा जो माइनस एक्स पे इसमें हो रहा होगा, मतलब एक्स के बदले माइनस एक्स पुट करो। और अगर ये फ्री बाउंड्री के लिए, रिजिड बाउंड्री होती तो फिर क्या करते, एक और माइनस लगा देते। जो माइनस एक्स पे वो दिखा रहा है वो एक्चुअली प्लस एक्स पे हो रहा होगा, बल्कि उसका भी नेगेटिव, तो एक नेगेटिव और लगा देंगे। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। ऐसा करते एक एग्जांपल और ले लेता हूं, ताकि कभी भी कोई आपको फंसा ना पाए। निष्कर्ष तो यही निकला है कि अगर मेरे को रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन लिखनी है, भैया आपसे कह रहा हूं, हाँ अंगड़ाई वंगड़ाई नहीं लेंगे बेटा, जब रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन लिखनी है तो बताओ कैसे लिखें। हाँ बोले बोले, ये मत सोचो हम सुन नहीं रहे, मोबाइल में पूरा सुनते हैं बेटा। कैसे लिखें, हाँ शाबाश, एक्स के बदले माइनस एक्स पुट करेंगे और नेगेटिव से साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेटा अगर रिफ्लेक्ट, अगर रिजिड बाउंड्री होगी तो ऐसे, और फ्री बाउंड्री होगी तो ऐसे, खाली एक्स के बदले माइनस एक्स। आया आया सर, कैसी भी इक्वेशन दे दे, टेढ़ी मेढ़ी कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। कोई वन अपॉन वन प्लस एक्स माइनस वी टी का स्क्वायर करके दे दे, ऐसे दे दे भाई कि ये इंसिडेंट वेव है, तो डर जाएंगे क्या, बिल्कुल नहीं डरेंगे। क्यों नहीं डरेंगे, क्योंकि डर के आगे जीत है। अच्छा, रिफ्लेक्टेड वाली क्या आएगी, एक्स के बदले माइनस एक्स पुट कर देंगे, बहुत शानदार। अगर फ्री बाउंड्री है, एक्स के बदले माइनस एक्स पुट कर दो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, खत्म। और अगर रिजिड बाउंड्री, साथ में नेगेटिव भी लगा दो। बोलो बच्चों, आया मक्खन है भैया। अब ऐसा करते हैं भैया, कब तक एक्स इक्वल टू जीरो पे रिफ्लेक्शन होगा। भाई वेव मेरे को मिली, कहती भाई हर बार जीरो पे रिफ्लेक्शन करा रहे, तुम्हें कुछ आता है कि नहीं आता, और कुछ, मैंने कहा आता है। कहती अब दम है तो एल कॉमा टी पे करो। अब दम की बात कर दी भैया, चार पराठे खा के कुछ भी बता सकते हैं भाई, ताकत बहुत है हमें। तो भाई वेव कहती ऐसा करो, ओ ये स्क्वायर लगाना भूल गए, नॉनसेंस। तो बेटा ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, फटाफट से एल कॉम एल एक्स इक्वल टू एल पे रिफ्लेक्शन कराते हैं और फिर देखते हैं क्या आएगा। ऐसा करें, आप लोग खुद भी सोचें थोड़ा सा,
हम बोलते जाते हैं लिखिए इंसिडेंट वेव की क्वेश्चन। अरे लिखो भैया क्या देख रहे हैं, मिटो ही तो रहे हैं भैया, ए साइन ओमेगा टी माइनस के, फटाफट से लिख डाल भाई। अब एक्स इक्वल टू एल पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, बताओ रिफ्लेक्टेड वेव की क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, सोचो 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 सोचो, बहुत बढ़िया, जोर से सोचो। आइए बड़ी मेहनत इंसान, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ये मिटो दिया। हाँ भैया कुछ नहीं भैया, अब यहां पे रिफ्लेक्शन कराना है, यहां पे बंधा हुआ भैया एक्स इक्वल टू एल, ये क्या कर रहा है, एक्स कॉमा का लिख रहा है एक्स इक्वल टू एल। अब यहां से पल्स आ रही है, ठीक है, अब पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रही है इंसिडेंट, ये वाई ऐसा लिखते हैं, कोई कोई बात नहीं चलेगा, वाई आई एक्स टी कर देते हैं, चलेगा, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, बहुत बढ़िया। अब रिफ्लेक्टेड पे एक्स कॉमा टी पे, क्या एक्स इक्वल टू एल के बाद कुछ होगा ना, क्या कुछ होगा ना, ये एक्स इक्वल टू जीरो मान लो। अब मैं चाहता हूं कि मेरे को पूछना आपसे ये है, बताओ एक्स पे टी पे क्या होगा, एक्स पे टी पे क्या होगा बेटा, थोड़ा सा दिमाग अपने को लगाना होगा, है ना, मजाक एक साइड करते हैं, ध्यान से सुनिए बेटा, समझने की कोशिश करिए, ये x है, ये l है, ये x इक्वल टू जीरो है, ये x है, ये l, तो ये चीज क्या हो गई, l माइनस x, ऐसा करो l माइनस x इधर भी बना लो, क्या वेव को इक्वेशन को मालूम है कि x इक्वल टू l के बाद आंसर नहीं देना है, क्या उसको पता है कि x इक्वल टू l के बाद कुछ नहीं है, रस्सी वस्सी नहीं है, झंड हुई पड़ी है, ये आंसर दी जा रही है, तो बेटा बस मैं आपको ये कह रहा हूं रिजिड एंड है, कौन सा एंड है, रिजिड एंड, मैं ये कहना चाह रहा हूं वाई आर एक्स टी, एक्स पे टी पे तो वही होगा बेटा, वही एल माइनस एक्स, वही एल माइनस एक्स, तो ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट पता क्या हो जाएगा, एल प्लस एल माइनस एक्स, टू एल माइनस एक्स। ध्यान से सोच के देखिए मेरी बातें, समझने की कोशिश करिए, रिफ्लेक्टेड पे एक्स पे टी पे वही होगा, इसको नहीं पता है एक्चुअली रिफ्लेक्ट होकर इधर आएगी, इसको तो यही लग रहा है एल माइनस एक्स इधर ना आके एल माइनस एक्स आगे जाएगी, इंसिडेंट वेव को तो यही पता है, तो बेटा मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं जो इंसिडेंट पे 2l माइनस एक्स पे टी टाइम पे जो होगा वही चीज एक्चुअली 2l माइनस एक्स पे नहीं रिफ्लेक्टेड वेव में एक्स पे हो रही होगी टी पे, बल्कि उसका भी उल्टा, अगर रिजिड एंड है, अगर कैसा एंड है, रिजिड नहीं आया बच्चों। देखो अभी मैंने फिर फिजिक्स नहीं बताई, मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूं, बिल्कुल सिंपल, जो मेरे को समझ में आता है, जो मैं आज तक बड़े आराम से बच्चों को समझा पाया, मेरे पास तरीका और भी है, अगर आपको ये अच्छा ना लगे तो मेरे पास एक तरीका और भी, मैं उससे भी बता दूंगा, सेम आंसर पर ये बेस्ट है। अब फ्री बाउंड्री हो तो रिफ्लेक्टेड पे एक्स पे टी पे क्या होगा, रिफ्लेक्टेड पे एक्स पे टी पे क्या होगा, मेरे को देख लो, खुद ना देखना, फ्री बाउंड्री हो तो मतलब यहां पे मोती। अब बेटा ये x, ये l, ये l माइनस एक्स, बेटा रिफ्लेक्ट होकर चीज इधर होने लग जाएगी, पर इसको इक्वेशन को नहीं पता, इसको तो लग रहा है l माइनस एक्स इधर ना के l माइनस एक्स आगे गई होगी, तो मैं कह रहा हूं रिफ्लेक्टेड पे x पे t पे वही होगा जो इंसिडेंट पे 2l माइनस एक्स पे t पे होगा। अब इंसिडेंट पे x पे ये हो रहा है तो 2l माइनस एक्स पे क्या होगा, x के बदले 2l माइनस एक्स पुट कर दो, खत्म, तो ये क्या आ जाएगी, इसकी इक्वेशन लिख देते हैं, जगह है लिखने की, हाँ है, तो पहले तो माइनस से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, ए साइन वाई आई टू एल माइनस एक्स टी, वाई आई एक्स टी ए, तो एक्स के बदले टू एल माइनस एक्स पुट करना, ओमेगा टी माइनस के टू एल माइनस एक्स, और साथ में माइनस, क्या दो बच्चों आया, आया सर, बहुत बढ़िया। अब वाई आर एक्स टी, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड पल्स में एक्स पे टी पे क्या होगा बेटा, इंसिडेंट पे जो 2l माइनस एक्स कॉमा टी पे होगा, बस खाली x के बदले 2l माइनस x पुट करना है, इंसिडेंट पे जो 2l माइनस x कॉमा टी पे होगा, ये तो समझा है बच्चों, आई होप बच्चों मैं आपको समझा पा रहा हूं, बेटा कोई खास बड़ी बात नहीं है, बस ध्यान से समझने की कोशिश करिए, आप देखेंगे बेटा बड़ा सिंपल है एक्चुअली, बेटा x इक्वल टू l से रिफ्लेक्ट होके l माइनस x पीछे आई होगी तो x पे पहुंचेगी, पर इसको तो वेव इक्वेशन को तो पता नहीं है, वो तो जो l माइनस एक्स आगे जो 2l माइनस एक्स पे t पे हो रहा है ना बेटा इंसिडेंट में, एक्चुअली वो वहां नहीं हो रहा होगा, वो x पे हो रहा होगा बेटा t पे रिफ्लेक्शन में, कह दो आ गया बच्चों समझ में, और बेटा अगर रिजिड बाउंड्री होगी तो एक और नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि पलटी मार के हो रहा होगा, बस बेटा इतनी सी बात है। अब x के बदले 2l माइनस एक्स तो पुट कर ही लेंगे भैया, लो कर देते हम, कर देते a sin ओमेगा t प्लस kx,
वहीं से कॉपी कर रहा हूं भाई, माइनस टू के खत्ता मक्खन, जबरदस्त तरीके से समझ में आ गए, आई होप मैं आपको समझा पाऊं बच्चों। अब इसके बाद अगर मान लो इसी चीज को अगर मन कर रहा हो आपका कि मैं एक और मेथड से बताऊं, वैसे मजा तो तब है जब मैं एक और मेथड से बताऊं, लेकिन अगर कल की क्लास में आप एक और मेथड से सुनेंगे पक्का कल की क्लास में, लेकिन पहले खुद से सोच के, दैट इज मैं बेसिकली फिजिक्स वाले मेथड की बात कर रहा हूं, अगर खुद से सोचेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही शानदार रहेगा। तो आपका काम क्या है बेटा, इसी को एक बार पहले फटाफट से नोट कर लीजिए और कल हम इसी चीज का दूसरा मेथड सुनेंगे, है ना, फिजिक्स वाला मेथड। आई होप मैं आपको ये वाला समझा पाया हूं। आइए अब कहानी आगे बढ़ाई जाए बेटा। ये इक्वेशंस के बाद मेरे को दो चीजें मेरे को एक तो आपको बतानी है, एक तो ये जो पर्टिकुलर इक्वेशंस मैंने निकाली है बेटा, ये मैंने आपको फील कराई चीज कि ऐसा होना चाहिए, मैंने आपको एक लॉजिक दिया, अब मैं आपको एक मैथमेटिकल प्रूफ भी दे सकता हूँ, है ना। टॉपिक का नाम वैसे तो, अब बेटा मेरे को जो बताना है इसका मैथमेटिकल प्रूफ देना है ना। और बेटा वेव पल्स बोले कैसी कैसी चीज है यार, हम आगे जा ही नहीं पा रहे, हम आगे जाना चाहते हैं, हम जा ही नहीं पा रहे, हम आगे जाना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि ऐसा करते थोड़ा सा आगे भेजेंगे। कहती मतलब? मैंने कहा थोड़ा सा पीछे भी आओगे। कहती कैसे? मैंने कहा पतली रस्सी लेंगे, आगे मोटी रस्सी लगा देंगे। तो क्या होगा जब आप यहां से पतली रस्सी को हिलाओगे, बाउंड्री हिलेगी, और बाउंड्री जब हिलेगी तो फिर क्या होगा, वो उधर भी एक वेव भेजेगी और इधर भी, मतलब रिफ्लेक्शन भी और ट्रांसमिशन भी, दोनों चीजें। अब टॉपिक का नाम क्या है भाई, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन दोनों, क्योंकि ट्रांसमिट नहीं हो पा रही थी बेचारी, वेव बोर हो गई थी। कहती हम बोर हो रहे हैं भाई। मैंने कहा क्या है? कहती हम ट्रांसमिट नहीं हो पा रहे, हम उसी रस्सी पर वापस आ जा रहे, हम बढ़ना चाहते हैं आगे, जैसे ये बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, IIT जाना चाहते हैं, हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं, हम भी आगे जाना चाहते हैं, हम ट्रांसमिट होना चाहते हैं। हमने भैया रस्सी आगे मोटी रस्सी लगाई, वेव भी कुछ मजा आ गया, लेकिन कुछ पार्ट बेचारा वापस आ गया। क्यों? मेहनत नहीं करी ना भैया, अगर IIT पहुंचना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो बेटा मुंह लटका के वापस आना होगा। तो बेटा करेंगे क्या? बेटा मेहनत करेंगे, है ना, ये जस्ट मजाक की बात है, लेकिन बेटा मेहनत अपने पूरा जान लगा के कर डालिए। बस बेटा मैं कई बार आपको बेटा एग्जांपल देता हूँ, मेरा एग्जांपल हर बार का कॉमन है, सचिन तेंदुलकर, लोग बोलते गॉड ऑफ क्रिकेट, लेजेंड। बेटा वो लेजेंड बनने के लिए ही पैदा हुए थे बेटा। 90 शतक मारने के बाद, 90 सेंचुरी मारने के बाद साउथ अफ्रीका के दौरे में जाना था, पता था कि वहां पर पिच थोड़ी डिफरेंट है। उनके टीममेट्स के इंटरव्यू में उस टाइम बताया, आप लोग तो तब छोटे रहे होंगे, हमने जब देखा था तो बेटा टीममेट्स बोलते थे कि वो अभी भी 4 बजे उठ के जब -2 -3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता तो नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं जबरदस्त तरीके से। बेटा वही मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी। रोनाल्डो बेटा मतलब वो खाली एक कामयाब प्लेयर रहे नहीं, एक बेहतरीन प्लेयर बने नहीं, उन्होंने अपने आप को बेहतरीन और बेहतर करने के लिए बेटा मतलब पूरा मेहनत करी। आप कई सारी वीडियोस देख सकते हैं बेटा। तो कोशिश करिए बेटा, आप भी मेहनत करिए, और मजा तभी है बेटा, कल को बेटा आपके माँ बाप कितने खुश होंगे, आप कामयाब हो जाएंगे। तो कोशिश करेंगे हम, मेहनत करेंगे और तभी आगे बढ़ेंगे बच्चों। तो मेहनत करेंगे हम, मेहनत करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए बच्चों, तो इसका मैं एक और मेथड बताऊंगा कल की क्लास में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव्स, क्योंकि वेव आगे जाना चाहती है। चलिए रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन से पहले एक बात छोटी सी छूट गई थी बेटा, अगर फ्री बाउंड्री होती ना, अगर इधर से पल्स आ रही हो किसी भी इंस्टेंट पे ना बेटा, यहाँ पे ना हमेशा स्लोप हमेशा यहाँ पे जीरो रहती है इस जगह पे। पता क्यों? क्योंकि बेटा जो टेंशन वाला फोर्स है ना वैसे, और ये ऊपर नीचे कैसे भी मूव कर रही हो, एफ डॉट वी जीरो होना चाहिए, क्योंकि बेटा आगे तो एनर्जी हम दे नहीं रहे ना। एक लॉजिक ये होगी एफ डॉट वी जीरो होना चाहिए। दूसरा लॉजिक एक और भी मेरे पास बेटा, जैसे मान लो ये पोर्शन निकल गया तो रिफ्लेक्ट होकर ये पोर्शन आया होगा, तो इन दोनों का समेशन क्या बनेगा बेटा? एक जितना पॉजिटिव स्लोप, एक जितना तरीके से ऊपर बढ़ना चाह रहा है, एक उतना ही नीचे जाना चाह रहा है। तो बेटा हो क्या जाएगा, यहाँ पे तो हॉरिजॉन्टल बनेगा ही बनेगा। प्लीज मेरी बात समझिए ध्यान से, मैं कह रहा हूं मान लो कि ये पोर्शन है, छोटा सा पोर्शन लेता हूं, पल्स का एक छोटा सा पोर्शन, जूम करके दिखा रहा हूं, एक्चुअली बहुत छोटा सा, पर जूम करके दिखा, बहुत छोटा सा पोर्शन है, किसी भी पार्ट का स्ट्रेट लाइन होता है, तो इसलिए स्ट्रेट लाइन। ये रिफ्लेक्ट होके बेसिकली ऐसे ही आया हुआ, सेम डायरेक्शन में वापस आता है, हाँ कि ना बेटा? आपको घोस्ट पल्स ही तो बनानी होती है। तो जैसे ये इधर नहीं, ये एक्चुअली इधर थोड़ी ना पहुंचेगा, रिफ्लेक्ट होके ऐसे आएगा, और इन दोनों का सम क्या होगा बेटा? जितना ये बढ़ा रहा है उतना ये घटा रहा है, तो होगा क्या, यहाँ पे कॉन्स्टेंट रह जाएगा बेटा, यहाँ स्लोप जीरो आनी आनी है। दो तरीके हैं, एक सुपरपोजिशन से सोच सकते हैं, दूसरा पावर ट्रांसमिशन यहाँ पे जीरो होना चाहिए, क्योंकि आगे कुछ है ही नहीं, किसको ट्रांसमिट कर रहे हो भैया पावर? एक पेपर को लो, पूरी ताकत से थप्पड़ मारो, आप फोर्स ही नहीं लगा पाओगे। कोशिश करो पेपर को ना बिल्कुल, पेपर का छोटा छोटा सा टुकड़ा लो, मैं लेके दिखाता हूं,
है ना, अब स्पिनर ऐसे पेपर को छालो और पूरी ताकत से मारो झापड़, आपको फील ही नहीं होगा फोर्स, क्योंकि बेटा अगर आपने फोर्स अगर आपको फील हो गया, मतलब आपने उसको काइनेटिक एनर्जी, मास तो उसका लगभग जीरो है, काइनेटिक एनर्जी कहां से दोगे? और यहां तो प्रैक्टिकली हम बात ही मासलेस की कर रहा हूं, मतलब आइडियली प्रैक्टिकल में भी आप देखो ना, जो मास बहुत कम है आप एनर्जी दे ही नहीं पाओगे। और ये अगर सिलेंडर लो ना, गैस सिलेंडर, उस पर मारना जोर से, हाथ टूट जाएगा, मार मत लेना भाई, क्योंकि उसको आप एनर्जी दे सकते हो, आप धकेलोगे ना आपको फील होगा फोर्स, कागज को धकेलोगे फील ही नहीं होगा। बेटा यहां पे एनर्जी ट्रांसमिशन ही नहीं होना है आगे, तो वर्क कैसे हो जाएगा? अगर ये बीड पे वर्क करती है, मतलब बीड को एनर्जी मिल गई, बीड मासलेस बेचारी गरीब, उसको एनर्जी मिल नहीं सकती, उसको एनर्जी मिल नहीं सकती, एनर्जी मिल नहीं सकती, तो उस पर वर्क क्या होगा? जीरो वर्क होगा, जीरो, दैट इज एफ डॉट वी जीरो, एफ डॉट वी जीरो। बोलो आया, आया सर, बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलिए भैया देखते हैं रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव्स, ठीक है, हेडिंग डाल लो भैया, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव्स। यो एक रस्सी है, यो एक रस्सी है, आगे मोटी रस्सी है, आगे मोटी रस्सी, कहती म्यू टू, मैंने कहा यो का है, कहती मास पर यूनिट लेंथ, ये कहता म्यू वन, मैंने कहा छोटा का है, कहता हम छोटे हैं ना, पतली रस्सी, मास पर यूनिट लेंथ कम है। अब यहां से वेव आ रही है, इंसिडेंट वेव की इक्वेशन क्या है? ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, बहुत शानदार, ठीक है। अब बेटा रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन क्या होगी? अच्छा इसको ए इंसिडेंट कह देते हैं, आप ए लिख सकते हैं वैसे इंसिडेंट वेव के लिए, है ना, ए आई लिख दिया कोई दिक्कत नहीं। रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन क्या है बेटा? देखो पलटी मार के आएगी नहीं आएगी मेरे को पता नहीं, मैं जानता हूं कि जब ये, जब कोई भी बेटा एक वेव पल्स जब एक पॉइंट को क्रॉस करती है, ये आएगी ऊपर जाएगा और ऊपर, नीचे और नीचे और नीचे और नीचे और ऊपर, फिर ये पहुंचेगी, तो फिर एक ऑसिलेशन कंप्लीट होता है जब बेटा एक वेवलेंथ क्रॉस करती है, तो ऑसिलेट करता है, जब ये वेव यहां पे पहुंचेगी तो बाउंड्री ऑसिलेट करेगी, और बाउंड्री ऑसिलेट करेगी ऐसे, अगर आप बाउंड्री को मान लो ऑसिलेट कर, क्या एक तरफ वेव जाएगी दोनों तरफ जाएगी? दोनों तरफ जाएगी भैया, दोनों तरफ जाएगी, बहुत शानदार, तो दोनों तरफ जाएगी वेव, सही है। अब सेम डायरेक्शन में आएगी, अपोजिट में, मेरे को नहीं पता, मैं मान ले रहा हूं मेरे को नहीं पता, पर मैं ये जानता हूं कि अगर ये x इक्वल टू जीरो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है x इक्वल टू जीरो, तो जो रिफ्लेक्टेड वेव आएगी उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? यार नेगेटिव होगा तो अपने आप नेगेटिव आ जाएगा भैया। पहली बात मैं ये जानता हूं कि कुछ एनर्जी बेटा आगे चली जाएगी, कुछ एनर्जी पीछे आएगी, इसका मतलब अब एम्पलीट्यूड ए आई नहीं हो सकता। पहले तो बेटा मैंने कहा था सेम एम्पलीट्यूड की वापस आ रही है, क्योंकि एनर्जी कंजर्व होनी चाहिए। अब एनर्जी कंजर्वेशन के लिए मैं ये नहीं कह सकता हूँ ए आर इक्वल टू ए आई, क्योंकि कुछ ट्रांसमिट भी हो रही है, हाँ कि ना। अब ये नेगेटिव में वापस आ रही है, नेगेटिव में आ रही तो एक्स के बदले माइनस एक्स पुट कर दो, है ना बेटा। अगर नेगेटिव में वापस आ रही है बेटा, उसी रस्सी पे आ रही है, तो वी बेटा अगर उसी रस्सी पे वापस आ रही है तो वेलोसिटी अंडर रूट टी बाय म्यू, वो तो वही की वही रहेगी, वेलोसिटी वही। और बेटा अगर उसी जिस जो ये इंसिडेंट थी इसी ने हिलाया ना, तो उसी फ्रीक्वेंसी की वेव दोनों तरफ जाएंगे, तो फ्रीक्वेंसी सेम, v सेम, f सेम, तो लैम्डा भी सेम, दैट इज k भी सेम। बस बेटा मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ ना, अब क्या हुआ, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ, तो मैं खाली ये नहीं कह सकता हूं कि x के बदले माइनस x पुट कर दो, x के बदले माइनस x पुट करना पड़ेगा, जो चीज यहां हो रही थी वो यहां होगी, पर पूरी उतनी मैग्नीट्यूड के साथ नहीं, कुछ छोटी हो सकती है, इसलिए ar लिख दिया, ai नहीं लिखा। बोलो आया, आया कि नहीं आया? आया सर, बहुत शानदार, ट्रांसमिटेड वेव। अब ट्रांसमिटेड वेव के लिए क्या बोलूंगा, यहां जो वेलोसिटी है v, यहां वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बड़ा v, क्यों, अंडर रूट टी बाय, ओ ये क्या किया, सॉरी गड़बड़ हो गई, सिट्टी बज गई, यहां पे छोटी वेलोसिटी क्यों, बोलो छोटी वेलोसिटी क्यों, क्योंकि म्यू ज्यादा, अंडर रूट टी बाय म्यू, रफ्तार कम, v कम, पर फ्रीक्वेंसी सेम, तो अगर v कम हो गई बेटा, v इक्वल टू एफ लैम्डा, v इक्वल टू एफ लैम्डा, फ्रीक्वेंसी वही है, वी कम हो गई तो लैम्डा भी कम हो गया, इसका मतलब के की वैल्यू वो नहीं होगी भैया, के की वैल्यू वो नहीं होगी। मेरे प्यारे बच्चों बस मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, जो ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड होगा, मैं आपको ये कह सकता हूं, यहां पर बेटा ये पहुंचेगी ना, ये पक्की बात है, पतली रस्सी को अगर आप हिला रहे हो, वो मोटी रस्सी को जाके हिलाएगी, मोटी रस्सी भी उतनी ही बार हिलेगी, पर हो सकता है उतना ज्यादा ना हिले। आप सोचिए, मैं मान लो, है ना,
अगर सोचो कोई मैं पतला दुबला सा आदमी पकड़ू, उसे कान पड़ ऐसे से तो जोर से हिलेगा। अगर मैं वही उसी जगह पे एक मोटा सा आदमी ले लूं, है ना, मान लो कोई बड़ा भयंकर सा मतलब तगड़ा सा आदमी हो, है ना, जीजीपी टाइप, अच्छा जीजीपी आप नहीं जानते, मतलब एक बड़ा सा आदमी है मतलब मोटा तगड़ा सा, उसको पकड़ के अगर ऐसे हिलाए तो उतना ही फोर्स लगाए, लेकिन वो हिलेगा तो उतनी ही बार, लेकिन थोड़ा मतलब मतलब कम एम्पलीट्यूड से, है ना। तो बेटा आगे ना एम्पलीट्यूड तो कम हो जाएगा बेटा, ये तो बिल्कुल पक्की बात है, मोटी रस्सी है भाई। तो मान लो 80 आया आगे का एम्पलीट्यूड। अब बेटा देखो जो ट्रांसमिटेड पल्स की जो इक्वेशन आनी चाहिए, पता वो क्या आनी चाहिए इक्वेशन, ध्यान से सोच के देखिए। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं x इक्वल टू जीरो पे ये क्या ऑसिलेशन क्रिएट कर रहा है, इस तरफ ये क्रिएट कर रहा है ए आई साइन ओमेगा टी, उधर क्या क्रिएट हो रहा होगा कुछ ए आर साइन ओमेगा टी और ए टी साइन ओमेगा टी। मतलब मैं कह रहा हूं अगर ट्रांसमिटेड पे जीरो पे क्या हो रहा होगा टी टाइम पे, थोड़ा सा सोचिए, मन लगाइए, मन लगा के सोचने की कोशिश करिए, थोड़ा सा खुद से दिमाग लगाइए कि बेटा ट्रांसमिटेड जो है पहली बात वो इधर को ही जा रही होगी। चलो ट्रांसमिटेड पे जीरो पे टी पे क्या होगा, कुछ ए टी साइन ओमेगा टी, हाँ कि ना, ये सोच लीजिए पहले। पहले मन लगा के सोचिए कि ट्रांसमिटेड पे, सोचिए जरा मन लगा के, ट्रांसमिटेड पे जीरो पे टी पे ये होगा, सही या गलत। बेटा ये साइन ओमेगा टी दे रहा है, वो भी साइन ओमेगा टी देगा, इधर से साइन ओमेगा टी वाला आ रहा है ना जीरो पे, इंसिडेंट साइन ओमेगा टी दे रहा है, तो वो भी कुछ साइन ओमेगा टी। बेटा अगर फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी वही है, मतलब इधर से डिस्प्लेसमेंट ये तो उधर से भी वैसी ही होगी, लेकिन कुछ कम एम्पलीट्यूड की मोटी रस्सी आ गई, हाँ कि ना। आप ऐसा भी कह सकते इधर दो दो वेव है, इस साइड पे दो है, उस साइड अकेली है, पर बेटा रस्सी तो एक ही जगह होगी ना, भले इस तरफ से देखो भले इस तरफ से देखो। तो बेटा मैं आपको ये कहना चाहूं यहां दो दो है सपोर्ट करने के लिए, वाई आई वाई आर इंसिडेंट भी है इस वाली रस्सी पे, इस पे रिफ्लेक्टेड भी है, उस पे बिचारी पे खाली ट्रांसमिटेड है, 80 साइन ओमेगा टी कुछ कम आना चाहिए। अब इसके बाद 80, अब वाई टी एक्स टी क्या हो जाएगा, एक्स पे टी पे क्या होगा, एक्स पे टी पे तो वही होगा जो जीरो पे टी माइनस एक्स बाई बी पे हो रहा है ना, जो जीरो पे टी माइनस एक्स बाई बी पे हो रहा है। मेरे प्यारे बच्चों बस मैं आपको इतना कहना चाहता हूं, अगर इन चीजों में दिक्कत आ रही हो इक्वेशन लिखने में, तो बेटा मेरा पहला लेक्चर जरूर देखें, शुरू से देखें बेटा, बिल्कुल अच्छे से देखें, हर एक चीज क्लियर कर दूंगा। हालांकि वेव्स चैप्टर के लिए मैं आपको एक बात बोल देना चाहता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, बेटा मैं फाइनली आपको एक वीडियो बना के दूंगा, रिवीजन वीडियो, जिसमें मैं बहुत ही कम थ्योरी के साथ आपको दिखाऊंगा, और आप ये देखेंगे 10 में से 9 क्वेश्चन आए हुए वेव्स के, बहुत आराम से आप आईआईटी के कर लेंगे। इनफैक्ट मैं वैसे 10 में से 10 भी मैं उम्मीद कर सकता हूं कि कर ले जाएंगे, बहुत ज्यादा थ्योरी ना भी मालूम हो। वेव्स चैप्टर फाइनली अगर आप लोगों की, मतलब देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सब कुछ जानना चाहते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि भैया मेरे को फाइनली आईआईटी पहुंचा दो, तो मैं आपको फाइनली एक ऐसा तरीका दे दूंगा, टूल दे दूंगा, जिससे आप बड़े आराम से कूलली चीजें कर ले जाएंगे। लेकिन अभी एक बार सुन लीजिए, एक बार सुन रखी हो ना तो फिर बेटा कनेक्ट करना आसान रहेगा, फिर मैं कहूंगा ये ट्रिक है भैया, ये क्वेश्चन कर लो खटाक, ठीक है। क्योंकि वेव्स ऐसा चैप्टर है जिसमें ना मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, मतलब मैं पिछले 15 साल से लगातार देख रहा हूं कि कोई भी टेढ़ी मेढ़ी बात नहीं आती भैया, बिल्कुल है ना सादा भोजन शुद्ध विचार, बिल्कुल सिंपल सादी बातें आती, बड़े आराम से बच्चे कर लेते हैं। तो बेटा वाई टी जीरो टी क्या होगा, ए टी साइन ओमेगा टी, ठीक है, कुछ एम्पलीट्यूड कम आएगा मोटी रस्सी का। अब एक्स पे टी पे क्या होगा, जो जीरो पे टी माइनस एक्स बाय वी पे होगा, बेटा एक्स पे टी पे तो वही होगा जो जीरो पे कुछ देर पहले होगा टी माइनस एक्स बाय वी पे होगा। सोच के देखिए बेटा, जो यहां पे टी पे होगा वही यहां पे पहले होगा ना यार, बस। अब y जीरो टी है ना, तो y जीरो टी माइनस एक्स बाय वी, टी के बदले टी माइनस एक्स बाय वी पुट करेंगे, बड़ी बार कर लिए, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स बन जाएगा। लेकिन अब इस जगह पे बेटा मेरे को वहां पर कुछ के डैश लिखना पड़ेगा, या k1, आपको जो मन करे, k डैश लिख लो, k1 मन करे k1 लिख लो, क्यों, क्योंकि बेटा जब बेसिकली चलिए मैं लिख देता हूं, ओमेगा टी माइनस ओमेगा एक्स बाय वी आएगा। अब यहां पर वी जो है प्यारे बच्चों वो वही है या अलग है, वी अलग है, वी अलग है, एफ वही है ना, तो मान लो ये लेमडा डैश आ गया, और ये क्या आएगा 2 पाई एफ, एफ कट जाएगा, 2 पाई बाय लेमडा डैश कुछ नया बनेगा, के डैश कह लो या k1 कह लो, जो भी कह लो। आई होप बच्चों मैं आपको ये बात समझा पाया। तो बेटा वाई टी एक्स टी, ए टी साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, आप डायरेक्टली कह सकते थे, मतलब बुक्स में डायरेक्टली लिखा होता, पॉजिटिव में जाएगी, दिमाग लगाते नहीं है बिल्कुल भी, पॉजिटिव में जाएगी और बोल देते हैं ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है भैया। तो बेटा जैसे आपको ठीक लगे, मैंने ना जितना वैसे ब्रेक डाउन किया है चीजों को, कोशिश करिए मैं आपको समझा लूं, मैं एक बार ऐसा करता हूं, रिपीट कर देता हूं ताकि चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो। सबसे पहली बात,
एक वेव इधर से आ रही थी जिसका नाम था इंसिडेंट वेव। क्या नाम था बेटा उसका? इंसिडेंट वेव। वो आएगी, वो बाउंड्री को हिलाएगी। बाउंड्री को अगर आप हिलाओगे तो क्या एक तरफ पल्स जाएगी या दोनों तरफ जाएगी? दोनों तरफ जाएगी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो ये हुई रिफ्लेक्टेड पल्स। अब रिफ्लेक्टेड में क्या वही सेम एम्पलीट्यूड आएगा या कुछ कम आएगा? कुछ कम आएगा। क्यों कम आएगा बताओ जरा? इसलिए कम आएगा सर क्योंकि पूरी एनर्जी वापस नहीं आ रही है, अब कुछ आगे भी जा रही है। सही बात है। एक्स के बदले अगर माइनस एक्स करते और एम्पलीट्यूड ए आई रहने देते तो पूरी एनर्जी, अब ए आर लिख दिया मतलब पूरी एनर्जी नहीं। अगर ए आर नेगेटिव आ गया मतलब पलटी मार के आ रही है, नेगेटिव से भी मल्टीप्लाई कर दी मतलब एक्स के बदले माइनस एक्स पुट कर दिया और आगे भी नेगेटिव लगा दिया मतलब पलटी मार के आ रही। तो ए आर की वैल्यू से हम जज कर लेंगे कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। और ट्रांसमिटेड, ट्रांसमिटेड पे क्या होगा बेटा? अब वो पॉजिटिव में जाने वाली है तो ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स टाइप की ही इक्वेशन आएगी। बिल्कुल सही बात है, गलत बात है? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पॉजिटिव में जा रही तो टी ए मतलब ए टी माइनस मतलब ओमेगा टी माइनस के एक्स, नेगेटिव में आ रही तो ओमेगा टी प्लस के एक्स। सही बात है, गलत बात है? सही बात है सर। अब बेटा करेंगे कैसे सॉल्व? देखो बेटा दो इक्वेशन यूज होंगे। अब मेरे को ए टी निकालना है, मेरे को ए आर निकालना है। क्या निकालना है? ए टी निकालना है और ए आर निकालना है। कैसे निकालेंगे बेटा? yi plus yr की जो वैल्यू आएगी ना बेटा, इस तरफ बेटा दो वेव्स हैं तो यहां पर बेटा जो रस्सी जितनी ऊंचाई पे होगी यहां पे भी तो उतनी ऊंचाई पे होगी, तो रस्सी टूट जाएगी। टूट नहीं रही भैया। तो yi plus yr की जो वैल्यू आएगी ना वो yt के बराबर आएगी किसी भी टाइम पे बट एट x equals to 0, क्योंकि x equal to 0 पे दोनों चीजें, पतली रस्सी भी है मोटी रस्सी भी, पतली रस्सी पे दो वेव है तो वहां पर जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो yi होगी, yr होगी या समेशन होगी? वहां पे डिस्प्लेसमेंट समेशन होगी। वहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगी बोलो साथ साथ में? समेशन होगी। बहुत शानदार, वहां पे समेशन हो जाएगा। और इधर क्या होगी? खाली yt अकेली बिचारी और उसको इनके बराबर होने। सही बात है, सही बात है। दूसरी बात, क्या रस्सी मान लो जो ऐसी बनी होगी, ये मोटी वाली, क्या स्लोप अलग अलग हो सकती है? सेम होनी चाहिए दोनों तरफ सेम। क्यों? क्योंकि स्लोप अलग अलग क्या बताती है? कॉर्नर बेटा क्या बताता है? याद दिलाएं फटाफट से, कॉर्नर क्या बताता है? कॉर्नर बताता है बेटा एंगल तो लगभग छोटे छोटे ही होते हैं, है ना? अगर थीटा वन थीटा टू हो गया तो बेटा टी साइन थीटा वन और ये टी साइन थीटा टू फाइनाइट फोर्स हो जाएगा, छोटा सा पार्टिकल, एक्सेलरेशन इनफाइनाइट पॉसिबल ही नहीं है। कॉर्नर तो पॉसिबल ही नहीं है बेटा, मैं पहले भी बता चुका हूं। वैलिड वेव फंक्शन इज वन विच इज बाउंड कंटिन्यूअस डिफरेंशियबल एंड शुड बी ऑफ द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी टी और ए एक्स माइनस बी टी, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी टी और एफ ऑफ ए एक्स माइनस बी टी। तो बेटा वाई आई प्लस वाई आर इक्वल टू वाई टी, एक बात तो ये ट्रू होनी चाहिए, दूसरी बात क्या ट्रू होनी चाहिए? डेल बाई डेल एक्स ऑफ वाई आई प्लस वाई आर एंड डेल बाई डेल एक्स ऑफ वाई टी एट एक्स इक्वल टू जीरो शुड बी सेम। x इक्वल टू जीरो पे जो इस तरफ से स्लोप मिले वही इस तरफ से मिले, जो y की वैल्यू मिले वो भी वही मिले। और चेक करते हैं क्या बन जाएगी इक्वेशन, और उसके बाद ये पूरा जो कार्यक्रम है रहता है इसको बेटा मिटो देंगे, है ना? तो वाई आई प्लस वाई आर कितना आ जाएगा x इक्वल टू जीरो पे? ए आई साइन ओमेगा टी, x इक्वल टू जीरो पे ए आर साइन ओमेगा टी, ए आई प्लस ए आर साइन ओमेगा टी। और yt की वैल्यू क्या आएगी बेटा? जीरो पे, ये yt है, xt ये रहा, जीरो पे क्या वैल्यू आ जाएगी? at sin omega t, at sin omega t। जैसे हमने लिखा तो भैया तुरंत क्या हुआ? कतलेआम हो गए। फिर बोला हमें लेके क्यों आए थे? हमने कहा कटने के लिए, कट गए भैया। बहुत शानदार। तो एक इक्वेशन आ गई ai plus ar equal to at, ai पता है, ar at निकालने, एक इक्वेशन बन गई, दूसरी वहां से बनने वाली है। अब डेल बाय डेल एक्स at x equals to 0, del by del x क्या बनेगा? del by del x क्या बनेगा? ai minus ki, correct है गलत है? बिल्कुल सही है, ai into minus k, ठीक है? नहीं है, ऐसा करते हैं थोड़ा सा जगह बना लेते हैं, यहां लिख देते हैं, चलेगा? इधर से अब ये पतली रस्सी मोटी रस्सी गायब कर दे, थोड़ी देर बाद दोबारा बना लेंगे, है ना? आइए बच्चों। अब डेल बाय डेल एक्स ऑफ वाई आई क्या आ जाएगा? ए आई के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, पर एक्स इक्वल टू जीरो की बात है तो लिखूं क्या या खाली इतना चलेगा? इतना चलेगा सर, बेटा सिंपल है। डेल बाय डेल एक्स क्या आएगा? ए आई के, है ना, माइनस के आएगा, साइन का कॉस हो जाएगा, पहले तो साइन का कॉस होगा फिर माइनस के बाहर आएगा, लिख दीजिए, फिर एक्स इक्वल टू जीरो पे जाएगा। चलो लिखो,
बाद में x इक्वल टू जीरो पूरे में इकट्ठा पुट करते हैं। अब डेल y r डेल बाय डेल x ऑफ y r करने, y r कहाँ गया, y r कहाँ गया, ये रहा इसका डेल बाय डेल x का ए आर इनटू के। बेटा k सेम क्यों है, क्योंकि उसी रस्सी पे वापस आ गई, फ्रीक्वेंसी तो वही होनी है क्योंकि बाउंड्री को हिलाया किसने, इंसिडेंट वेव ने, तो फ्रीक्वेंसी तो दोनों पल्सेस की सेम रहेगी, सेम सेम रस्सी पे वापस आ रही है तो v भी सेम, v इक्वल टू एफ लैम्डा, फ्रीक्वेंसी वही है, वेलोसिटी वही है, तो लैम्डा वही होगा, दैट इज के भी वही होगा, ए आर के कॉस ओमेगा टी प्लस के एक्स, बहुत शानदार, इज इक्वल टू डेल बाय डेल एक्स ऑफ वाई टी, डेल बाय डेल एक्स ऑफ वाई टी, वाई टी वाई टी वाई टी, इसका डेल बाय डेल एक्स क्या है, माइनस ए टी के वन, माइनस ए टी के वन कॉस ओमेगा टी माइनस के वन एक्स, कॉस ओमेगा टी माइनस के वन एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो बात करनी है, तो एक्स इक्वल टू जीरो के लिए क्या करेंगे, माइनस ए आई के प्लस ए आर के x इक्वल टू जीरो पे कॉस ओमेगा टी बन रहे हैं दोनों, इसलिए मैंने इसको ये निकाल लिया, और यहां पे भी बेटा वो भी कॉस ओमेगा टी बन जाएगा, माइनस ए टी के वन कॉस ओमेगा टी। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पा रहा हूं। अरे भैया थकना नहीं, थकना नहीं है, एक बार ऐसा करें खड़े होंगे और फिर बैठ जाएंगे, ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है, और बेटा आई आई टी क्वालिफाई करनी है, पढ़ना पड़ेगा, है ना, तो बेटा मन लगाइए, आइए देखिए कॉस ओमेगा टी को काट दिए, बहुत शानदार तरीके से इक्वेशन निकाल ली। अब यहां पे बेटा ये क्वेश्चन क्या बन जा रही है, ए आई, ए आई माइनस ए आर इज इक्वल टू ए टी के वन बाय के। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पा रहा हूं। तो बेटा एक इक्वेशन ये आ गई, ए आई माइनस ए आर ए टी, और बेटा ये टू पाई बाय लेमडा है, टू पाई बाय लेमडा डैश, और ये 2 पाई बाय लैम्डा, 2 पाई की झंड हो जाएगी, लैम्डा बोला हम तो v बाय f है, लैम्डा बोला हम तो v बाय f है, मैंने कहा कैसे, कहता v इक्वल टू f लैम्डा, लैम्डा v बाय f, ओ v इक्वल टू f लैम्डा, लैम्डा v बाय f, ओ आया, तो लैम्डा v बाय f है, है ना। तो बेटा मान लो इस वाली जो इधर वाली रस्सी थी उसमें वेलोसिटी मान लो v1 थी, देखिए बच्चों तो बेटा क्या इक्वेशन बन गई, ai माइनस ar ठीक है, और at, और ये क्या बन जाएगा बेटा v बाय f, है ना, v1 by v2, क्यों, क्योंकि बेटा इधर वाली पल्स में ना सब mu1 बोला था, है ना, v1 बोला था, इधर बेटा mu2 v2, बेटा ऐसे नाम दे देते हैं ना, v1 v2 आसान रहेगा, है ना। तो दो इक्वेशन हो गई प्यारे बच्चों, ai plus ar is equal to at, एक इक्वेशन, और दूसरी है, हालांकि निकालनी तो बेटा मेरे को वैल्यूज है किस किस की, ar और at की, तो फटाफट से अब आप लोग ऐसा करेंगे जब तक हम मिटोरे तब तक फटाफट से बेटा सॉल्व करिए और मेरे को बता दीजिए क्या क्या वैल्यूज आ रही है ताकि मैं डायरेक्टली लिख लूं, है ना, जल्दी से सॉल्व करिए, शाबाश बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ये देखिए प्रदीप सर मिटोते जा रहे हैं और आप लोग सॉल्व करते जा रहे हैं। इसका पर्टिकुलर का बेटा मैं प्रूफ ना बहुत ही अच्छे से अभी प्रेजेंट कर दूंगा, जब ये कंप्लीट हो जाए तो मैं बहुत अच्छी राइटिंग में इसका प्रूफ ना एक बार अभी बोर्ड में प्रोजेक्ट कर देता हूं, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये आ गई एक चीज, है ना, ये दो इक्वेशन है, इनको अगर मैं क्या करूं, एक ए आई प्लस ए आर था यार, सॉरी, है ना, इनको अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं इन दोनों को, तो ये तो ए आई तो कटना नहीं चाहिए, ए आर कटना, तो ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ट्वाइस ऑफ ए आई वो क्या आ गया, ए टी वी वन बाय वी टू प्लस वन, वी वन बाय वी टू प्लस वन, तो ए टी क्या निकल के आ जाएगा, ए टी निकल के आ रहा है प्यारे बच्चों टू वी टू अपॉन वी वन प्लस वी टू ए आई। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पा रहा हूं, ये आ गया ए टी, अब ए आर निकाल लें, बस ए टी की वैल्यू यही या तो पुट कर दीजिए, है ना, और अगर आप ए आर निकालने में इंटरेस्टेड हैं और किसी तरीके से, तो या तो आप सब्ट्रैक्ट करें और फिर मतलब फाइनली ए टी की वैल्यू पुट कर दें, जैसा आपको ठीक लगे। तो ऐसा करते हैं, वैल्यू ही पुट कर लेते हैं, आसान लग रहा है शायद थोड़ा सा, ए आई, ए आई प्लस ए आर निकालना है, ए टी क्या गया टू वी टू अपॉन वी वन प्लस वी टू ए आई, ठीक है। अब यहां से बेटा क्या निकल के आ रहा है, ध्यान से देखिए,
यहां से निकल के आ रहा है ए आर इज इक्वल टू टू वी टू माइनस वी वन माइनस वी टू, थोड़ा सा कैलकुलेशन खुद से करेंगे तो क्या जाएगी वी टू माइनस वी वन अपॉन वी टू प्लस वी वन ए आई। बेटा ये आ गई हैं फाइनल इक्वेशन, ए आर और ए टी दोनों की वैल्यूज आ गई, इनको समझते हैं अभी थोड़ा ध्यान से, मैं फील करा दूंगा आपको कि हाँ जो आई हैं वो काफी सेंसिबल चीजें निकल के आई हैं। लेकिन उससे पहले ऐसा करते हैं कि एक बार आपके सामने पूरा का पूरा प्रूफ लिख देते हैं दोबारा से, और आप क्या करेंगे एक बार एक एक स्टेप को, मैंने बहुत डिटेल में बेटा सोल्यूशन लिखा है इसका, बहुत डिटेल में इसका प्रूफ लिखा है, आप बहुत ध्यान से एक बार लिख लीजिए ताकि आपको एक एक स्टेप क्लियर हो जाए। हालांकि वैसे बोलूँ तो ये इस प्रूफ की कोई बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो बेटा, वैसे क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है लेकिन बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं, फाइनली जो रिजल्ट है ये आना चाहिए, है ना। लेकिन ऐसा करते एक बार प्रूफ आपके सामने है, प्रूफ आप देख लेंगे ताकि आपको हर एक चीज क्लियर हो जाए, ठीक है। बच्चों एक बार ये ऐसा करते हैं कि समराइज कर लेते हैं ट्रांसमिशन ऑफ वेव्स में जो कुछ भी हमने पढ़ा है। बेटा यहाँ पर क्या है, दो स्ट्रिंग्स हैं, एक का जो मास पर यूनिट लेंथ है वो म्यू वन है, दूसरे पे म्यू टू है, है ना। मैंने बनाया इस तरीके से कि लग रहा होगा कि म्यू टू ज्यादा है, इट में भी म्यू टू कम हो, इट में भी म्यू टू कम हो। इस पे वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग जो है वो वी टू है, और इस पे जो है बेटा वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग, सॉरी वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग वेव जो इस पे आएगी वी वन आएगी, इस पे वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग वेव जो आएगी वो वी टू आएगी, स्पीड है ना। अब बेटा मेरे को किस तरीके से सोचना होगा कि कैसे फाइनली ट्रांसमिशन होगा या रिफ्लेक्शन होगा। पहली बात तो बेटा ऐसा होगा ही क्यों, रिफ्लेक्शन क्यों होगा। बेटा प्रैक्टिकली तो आपने देखा ही होगा, अगर लाइट मारो किसी भी कांच पे बाहर से, है ना, या मान लो कोई अगर सपोज करो कि आप एक रूम में है जिसमें कोई अगर ग्लास है जिससे आप ग्लास से बाहर का देख सकते हैं, ठीक है। और होता क्या है बेटा, उसमें अगर आपने देखा उसमें ग्लास में आपको अपनी शक्ल भी दिखाई दे जाती है, मतलब आपको बाहर का भी दिखाई दे जाता है, आपको अपनी शक्ल भी दिखाई दे जाती है। या आप ये कह सकते हैं कि अगर कोई बाहर खड़ा है तो वो भी आपको देख सकता है और आप खुद भी अपनी उसमें इमेज देख पा रहे हैं, दैट इज कुछ एनर्जी, कुछ जो रेज है वो बाहर निकल जा रही। ये ग्लास है, यहाँ पे आप खड़े हैं तो यहाँ आपकी इमेज भी बन जाती है, और यहाँ से अगर कोई इंसान देख रहा है तो वो भी आपको देख पाता है, That is, कुछ लाइट रेज बाहर भी चली और कुछ रिफ्लेक्ट होके आ गई जिससे आप अपने आप को देख भी पा रहे। That is, बेटा मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूँ रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन होता है, पर बेटा क्यों होना चाहिए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि 100% केवल ट्रांसमिशन हो जाए। जैसे अगर मान लो वेव आ रही है इस स्ट्रिंग पे और जाना है इस स्ट्रिंग पे, तो 100% ट्रांसमिशन इज नॉट पॉसिबल। ऐसा क्यों, रीजन क्या है, रीजन बेटा बहुत सिंपल है। रीजन ये है कि अगर सारी की सारी एनर्जी बेटा इस पर चली जाए तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर न्यू स्क्वायर म्यू की बेटा पावर होती है 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर न्यू स्क्वायर म्यू वी। अब बेटा सोच के देखिए, अब फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगी, फ्रीक्वेंसी तो कभी चेंज होती नहीं, पतली रस्सी को अगर आप एक सेकंड में 10 बार हिला रहे, मोटी रस्सी का एम्पलीट्यूड डेफिनेटली आपको कम दिखाई देगा, लेकिन ये बिल्कुल पक्का है कि वो हिलेगी उतनी बार, फ्रीक्वेंसी वही की वही रहती। तो ये चीज कॉन्स्टेंट है, 2 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, म्यू जो है प्यारे बच्चों म्यू जो है वो ज्यादा है, मान लो इधर म्यू जो है वो ज्यादा है, है ना, और वी जो है वो कम। तो ऐसा करते हैं वी को तो पहले अंडर रूट टी बाय म्यू कह देते हैं ताकि एक ही वेरिएबल रह जाए, अब अंडर रूट म्यू। तो बेटा अगर अंडर रूट म्यू बढ़ गया तो इसका मतलब क्या है, ए स्क्वायर तो कम हो गई, तो एम्पलीट्यूड तो कम हो गया, तो एम्पलीट्यूड अगर कम हो गया तो इधर जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आएगी इस तरफ वो कुछ कम आएगी, और इस तरफ जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आएगी वो ज्यादा आएगी, इधर एम्पलीट्यूड ज्यादा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कंटिन्यूटी है वाई आई प्लस वाई आर इक्वल टू वाई टी जो हम बोल रहे हैं एक्स इक्वल टू जीरो पे, बेटा जो यहाँ पे मैक्सिमम जो यहाँ पर बेटा डिस्प्लेसमेंट होगी वो यहाँ पे होनी चाहिए, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट भी तो बेटा बराबर होनी चाहिए। ऐसा थोड़ी सा इस तरफ ये दिखा रहा है और उस तरफ वो दिखा रहा है तो बेटा रस्सी टूट जाएगी फिर। तो अगर ये कह रहा है भैया 1 सेंटीमीटर पे जा रहा है वो 2 सेंटीमीटर पे जा रहा है, अगर ये 2 सेंटीमीटर पे जा रहा है वो मैक्सिमम 1 सेंटीमीटर पे आ रहा है, तो रस्सी वहां पे क्या हो जाएगी बेटा, ब्रेक कर जाएगी। रस्सी क्या कर जाएगी, ब्रेक कर जाएगी, स्ट्रिंग ब्रेक हो जाएगी, स्ट्रिंग टूटनी नहीं चाहिए बेटा। अगर मैं कह रहा हूं कि सारी की सारी एनर्जी उधर चली गई तो बेटा इधर जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आ रहा है और इधर जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आ रहा है दैट आर नॉट सेम, सेम नहीं है, तो इसका मतलब बेटा रस्सी तो ब्रेक कर जाएगी, इसका मतलब सारी की सारी एनर्जी सीधी नहीं जा सकती। और सारी की सारी एनर्जी सिमिलरली मैं आपको ये कह सकता हूं कि सारी की सारी एनर्जी उसी तरीके से वापस भी नहीं आ सकती, सारी की सारी एनर्जी उसी तरीके से मैं कह सकता हूं वापस भी नहीं आ सकती। वैसे भी सोच के देखो बेटा ये तो बिल्कुल पक्का हो गया कि कुछ तो एनर्जी जाएगी जाएगी, ऐसा हो ही नहीं सकता आप हिलाओ तो बेटा मतलब कुछ एनर्जी आगे ना, एनर्जी तो आगे जानी क्योंकि ये
मीडियम पार्टिकल्स हिल रहे हैं तो बेटा वो आगे तो जनरेट करेंगे ही करेंगे। तो बेटा अब मैंने आपको ये समझा दी, सारी आगे नहीं जा सकती, सारी आगे जाएगी तो रस्सी टूट जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं। बेटा स्ट्रिंग तो वहीं की वहीं है, स्ट्रिंग तो टूट रही नहीं है, स्ट्रिंग ब्रेक नहीं हो रही है, इसका मतलब ये बिल्कुल पक्का हो गया सारी एनर्जी बेटा जो है वो सीधी नहीं जा सकती। आप मेरी बात बहुत ध्यान से समझिए, एनालाइज करने की कोशिश करिए, सारी अगर एनर्जी सीधी चली गई बेटा 2π² बेटा जो पावर होती है वो पता क्या होती है 2π² a² μ² μ, वेलोसिटी जो होती है वो अंडर रूट T/μ होती है। यहां से इसको काटिए, यहां अंडर रूट म्यू लगाइए, ये अंडर रूट म्यू जो है ये बढ़ जा रहा है तो ए स्क्वायर कम होना चाहिए। अगर एम्पलीट्यूड कम हो गया तो इधर मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट आ रही है वो अलग आ रही है, इधर जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आ रही है प्यारे बच्चों वो अलग आ रही, विच इज नॉट पॉसिबल। वो कह रहा है ये इतना जाएगा और ये कह रहा नहीं मैं इतना ही जाऊंगा, तो बेटा वहां पे तो रस्सी ब्रेक कर जाएगी और रस्सी टूट नहीं रही, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं सारी एनर्जी चली जाए, दैट इज कुछ रिफ्लेक्ट होके भी आएगी। आई होप मैं आपको समझा पाया, ठीक है। तो ना ही पूरी सीधी जाएगी ना ही वापस आएगी कंप्लीटली। अब वाई आई ये हो गया, वाई आर क्या होगा बेटा देखो, अगर ये एक्स इक्वल टू जीरो पॉइंट है, ठीक है, जो कि मैंने आपको पढ़ा है, तो बेटा इसका मतलब ये बिल्कुल पक्का हो गया कि अगर कुछ एनर्जी सीधी जानी है, कुछ एनर्जी सीधी जानी और कुछ रिफ्लेक्ट होके आनी, तो बेटा अगर मैं कह रहा हूं मान लो बिल्कुल आगे जा ही ना रही होती, ये रिजिड बाउंड्री होती, तो मैंने क्या समझाया, जो बेटा इधर हो रहा होगा बेसिकली रिफ्लेक्शन में क्या होगा वही चीज इधर होने लग जाएगी, या ऊपर या नीचे, यही समझाया था। अगर आगे म्यू जीरो हो तो बेटा खाली एक्स के बदले माइनस एक्स पुट करते थे, जो प्लस एक्स में हो रहा है बस मैं चाहूंगा वही माइनस एक्स में आ जाए, यही मैंने सिखाया था आपको। तो बेटा मैंने आपको सिखाया था रिफ्लेक्टेड वेव में खाली एक्स के बदले माइनस एक्स पुट करते हैं, करेक्ट। और मैंने आपको बताया था जो ट्रांसमिटेड वेव है, अब देखो बेटा ये रिफ्लेक्टेड वेव की बात आ गई, अब हो सकता है यहां पे नेगेटिव भी लगाना हो या ना लगाना हो, और मैं जानता हूं पूरी एनर्जी वापस नहीं आई है, तो एनर्जी कितनी वापस आई है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंडेंट है, और बेटा जो इसी रस्सी पे वापस आ गई है उसके लिए वी सेम, क्योंकि अंडर रूट T/μ वही का वही है, वी सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम होगी होगी क्योंकि बेटा बाउंड्री जाके हिली, बेटा इंसिडेंट वेव भी उसने बाउंड्री को हिलाया, उसी ने बेसिकली वेव्स जनरेट करी है, और अगर वेव्स जनरेट हुई तो सेम फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी वही है तो ओमेगा भी वही है, वी वही है, एफ वही है, तो वी इक्वल टू एफ लैम्डा से लैम्डा भी वही है, दैट इज के भी वही है, तो रिफ्लेक्टेड वेव में बेटा ओमेगा के सेम रहेंगे, और यहाँ पे प्लस माइनस हो सकता है, ए आर की वैल्यू प्लस माइनस कुछ भी आ सकती है, ठीक है। एटी क्या हो गया प्यारे बच्चों, वाई टी क्या हो जाएगा, एटी साइन ओमेगा टी माइनस के डैश एक्स। बेटा अब जो आगे होना है ये तो पक्का है कि वेव ने आगे जाना है ना, और वाई अब एम्पलीट्यूड जो है कुछ बेटा डिफरेंट आएगा है ना, कुछ एनर्जी आगे जानी कुछ वापस आनी, तो एटी साइन ओमेगा टी माइनस के डैश एक्स है ना। अब बेटा ये चीज आ गई, अब यहां पर के डैश क्यों लिया, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो सेम है पर वेलोसिटी डिफरेंस है, तो बेटा v इक्वल टू एफ लैम्डा से सोचेंगे, मेरी बात सुनिए बहुत ध्यान से, v इक्वल टू एफ लैम्डा से अगर हम सोचेंगे तो वेलोसिटी डिफरेंट है, वेलोसिटी इज नॉट सेम, वेलोसिटी इज डिफरेंट है ना, फ्रीक्वेंसी इज सेम, सो लैम्डा मस्ट बी डिफरेंट, अगर वेलोसिटी डिफरेंट है देन लैम्डा मस्ट बी डिफरेंट। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया, ठीक है। आइए इसके बाद, इसीलिए मैंने यहां पे k डैश लिखा। अब बेटा पहली चीज क्या लगनी चाहिए, पहली चीज ये लगनी चाहिए x इक्वल टू जीरो पे, भले इधर से देखें जो y की वैल्यू आएगी या इधर से देखें, इधर दो वेव्स हैं, एक वाई आई और एक वाई आर, एक इंसिडेंट और एक रिफ्लेक्टेड, आगे केवल ट्रांसमिटेड है, तो वाई आई प्लस वाई आर आएगी यहां पर नेट डिस्प्लेसमेंट है ना, और उधर आएगी वाई टी, और दोनों बराबर होनी चाहिए एट x इक्वल टू जीरो, और बेटा दोनों तरफ से जो स्लोप आनी चाहिए प्यारे बच्चों वो भी बराबर आनी चाहिए। क्यों बराबर आनी चाहिए, क्योंकि बेटा अगर कॉर्नर आ गया, स्लोप बराबर का मतलब वो कॉर्नर नहीं होना चाहिए, कॉर्नर होने का मतलब है इनफाइनाइट एक्सेलरेशन, कई बार बता दिया मैंने आपको, कॉर्नर इज नॉट पॉसिबल। तो बेटा डेल बाय डेल एक्स ऑफ वाई आई प्लस वाई आर और डेल बाय डेल एक्स ऑफ वाई टी एट एक्स इक्वल्स टू जीरो शुड बी सेम, जहां से ये इक्वेशन बन जाएंगी, बेटा वाई आई प्लस वाई आर क्या बन जाएगा एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए आई साइन ओमेगा टी, ये वाई आई की वैल्यू, ए आर साइन ओमेगा टी, ए आई साइन ओमेगा टी, ए आर साइन ओमेगा टी इक्वल टू वाई टी एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, ये भी बन गया at sin omega t, बस यहां से आगे ai plus ar equal to at, ठीक है, ये एक चीज। अब del by del x of yi plus yr, del by del x of yi plus yr, del by del x क्या आएगा minus ai into k, इसका del by del x क्या आएगा plus ar into k, और sin का हो जाएगा cos, अब at x equals to 0 तो यहां पे cos omega t minus ai into k, बेटा एक बार लिख लिख के करिए, अभी मैं आपको करा चुका हूं, जस्ट रिवाइज करा रहा हूं, तो del by del x of yi, डेल बाय डेल एक्स ऑफ वाई आई प्लस वाई आर, ये चीज आ जाएगी है ना एट एक्स इक्वल टू जीरो है ना। तो बेटा डेल बाय डेल एक्स क्या आएगा माइनस ए आई इंटू के, इसमें आएगा प्लस ए आर इंटू के, और कॉस बन जाएगा, और एक्स इक्वल टू जीरो पे कॉस ओमेगा टी आ जाएगा, और उधर क्या आएगा ए टी के डैश, उधर क्या आएगा
उसमें क्या आएगा, माइनस एटी के डैश एक्स इक्वल टू जीरो पे साइन का कॉस बन गया कॉस ओमेगा टी कट जाएगा और यहां से इक्वेशन आ जाएगी प्यारे बच्चों ए आई माइनस ए आर इक्वल टू एटी इंटू के डैश बाय के और k डैश बाय के को हमने लिख देना है 2 पाई बाय लैम्डा डैश और 2 पाई बाय लैम्डा। अब लैम्डा होता है v बाय f, तो वहां से बेटा ये इक्वेशंस बन गए। लैम्डा को लिखा v बाय f, बेटा लैम्डा है v1 बाय f, लैम्डा डैश है v2 बाय f, डिवाइड कर दीजिए इनको, आपको मिल जाएगा लैम्डा बाय लैम्डा डैश आपको मिल जाएगा v1 बाय v2, वही आपने यहां पे पुट कर दिया। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एक बार ऐड कर दीजिए एक बार सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपको AT और AR मिल जाएंगे। क्या क्या मिल गया, AT is 2 V2 upon V2 plus V1 AI, AT is 2 V2 upon V2 plus V1 AI। इस पे क्वेश्चंस बहुत सिंपल रहेंगे, बहुत ही आसान रहेंगे, आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। AT equal to 2 V2 upon V2 plus V1 AI, AR equal to V2 minus V1 upon V2 plus V1 AI, AT equal to 2 V2 upon V2 plus V1 AI, AR equal to V2 minus V1 upon V2 plus V1 AI। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। क्वेश्चंस हम करेंगे इसी टॉपिक पे अगली क्लास में बेटा, लेकिन आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए क्योंकि ये फॉर्मूला याद होगा बड़े आराम से क्वेश्चन बन जाएंगे। वैसे मैं बस आपको इतना कहना चाहूंगा बेटा, ये फॉर्मूला बेस्ड ही इस पे क्वेश्चन मिलेगा, है ना, कोई ऐसा नहीं कि आपको ये पूरा का पूरा मतलब डेरिवेशन अगर आता हो तो बेटा जो चीज आप पढ़ रहे हैं आपको कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो तभी मजा भी है, नहीं तो मजा नहीं आएगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जैसी वेव्स का एंडिंग होगी मैं आपको जल्द ही एक वीडियो दूंगा जिसमें मैं बिना ज्यादा कॉन्सेप्ट्स के आपको क्वेश्चंस अटैक करना सिखा दूंगा। तो बेटा AT क्या आ गया 2v2 upon v2 plus v1 AI, AR आ गया v2 minus v1 upon v2 plus v1 AI। एक बार साथ साथ बोलेंगे, AT क्या आ गया 2v2 upon v2 plus v1 AI, याद रखने के लिए आसान है, TT से गंदी चीज होती है नंबर 2, है ना, तो देखिए 2v2 upon v2 plus v1 AI। और बेटा अगर ऐसे वेव भेजेंगे तो आगे तो सीधी जाएगी, तो इसमें पॉजिटिव ही आना चाहिए, इसमें नेगेटिव वाली टर्म नहीं आनी चाहिए AT में। AR में बेटा पलट के तो उल्टी भी आ सकती है, वेव हम देख चुके हैं रिजिड बाउंड्री से पलट के आती है, और फ्री बाउंड्री से कैसी आती है बेटा, सीधी आती है, ठीक है। और यहां पलट के कब आएगी, जब v2 जो है वो कम होगा, जब म्यू ज्यादा होगा तभी तो v कम होगा, म्यू टू ज्यादा होगा तो v2 कम होगा, तो नेगेटिव बेटा पलट के आएगी, मतलब डेंसर मीडियम से अगर रिफ्लेक्शन होगा तो पलट के आएगी, है ना, आप समझ सकते हैं बेटा ये कमजोर राजा है, ये एक बड़ा राजा है, इससे लड़ाई होगी तो ये मुंह लटका के वापस आएगा, और बेटा अगर आगे कमजोर राजा होता तो बेटा फिर वैसे का वैसे ही वापस आता, फिर मुंह उठा गया था लड़ाई करके, था जंग जीत के आया हूं। तो याद रखना आसान है, आगे अगर म्यू ज्यादा है, बड़ा राजा है तो मुंह लटका के वापस आएगा, मार खा के आएगा, और अगर आगे कमजोर राजा है, म्यू अगर कम है आगे कमजोर राजा है तो बेटा ये मुंह उठा के वापस आएगा, वापस तगड़ा होगा कि भाई मैं जीत के आया हूं, है ना, भले लड़के आए कमजोर से, है ना। तो बेटा रिफ्लेक्टेड वाली नेगेटिव आ सकती है, AR की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है, पलट के आ सकती है, याद कैसे रखेंगे, इसमें माइनस आना है बेटा, v2 plus v1 AI तो दोनों में आना है, नीचे v2 plus v1 AI आना है, तो t गंदी चीज है ना, आप जानते हैं शायद, है ना, t नंबर 2, है ना, तो बेटा 2v2 नंबर 2 दोबारा आ गया, है ना, तो नंबर 2 दोबारा, और AR में क्या आ रहा है, v2 minus v1 आ रहा है ऊपर, AR में क्या रहा है बेटा, माइनस आना चाहिए था, एक में v2 minus v1 है और एक में 2v2, एक में v2 minus v1 है, एक में 2v2, एक में v2 minus v1 है, एक में 2v2। तो बेटा AR क्या हो गया, v2 minus v1 upon v2 plus v1 AI, AT हो गया 2v2 upon v2 plus v1 AI। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं बेटा, बहुत ही सिंपल बातें थी, आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मुलाकात होती है आपके साथ, इसी के क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले इसका रिवीजन कल की क्लास में भी दोबारा करेंगे और फिर इसी के क्वेश्चंस पे अटैक करेंगे। थैंक यू, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ऑल दी बेस्ट।